आइए बहन जी आइए। ए वो नया वाला माल दिखाना। आइए आइए आइए। ये क्या है भाई, मेरी दुकान के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। मैं धंधा करूँ या नहीं करूँ? क्यों नहीं करोगे भाई, तुम्हारी दुकान तुम्हारी जगह, मेरी गाड़ी मेरी जगह। तू चुपचाप यहाँ से गाड़ी हटाता है कि नहीं? अरे क्यों हटाऊं भाई, ये जगह मेरी है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। क्या फुटपाथ का भी रजिस्ट्रेशन करा लिया तुमने? कौन सा ऑफिसर है जिसने ये रजिस्ट्रेशन किया है भाई? मैंने ही किया। नमस्ते भाई। तुझे कोई परेशानी है क्या? तू फुटपाथ बेच या सड़के बेच, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये गाड़ी यहाँ से हटनी चाहिए। गरम मत हो, जाके अपना काम देख। है? मेरी दुकान के सामने गाड़ी लगाकर मुझे ही धमका रहा है तू? हटा गाड़ी यहाँ से तू। निकल यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे। तू पुलिस को फोन करेगा रे? पुलिस को बुलाएगा तो? पुलिस की धमकी देता है तू? है बुला, चल बुला। जी भाई। तीन चाय अभी देता हूँ। सर इस तरह न जाने कितने कत्ल होते हैं, लेकिन गवाही देने के लिए कभी कोई भी आगे नहीं आता। गवाही दिया तो असली खूनी को छोड़कर गवाह को ही सजा मिल जाती है, यही डर रहता है सर। देखिए अगर जनता पुलिस के साथ मिलकर गवाही देगी तो ही हम इन मुजरिमों को पकड़ पाएंगे। तो फिर गवाही मैं दूंगा सर, मर्डर उसी ने किया है सर। चलो उठ, चलो उठ, उठ, चल चल अंदर बैठ, अंदर बैठ, बैठ अंदर, साले को अंदर बैठा के रखो। हेलो, गवाही देने वाले का नाम क्या है? बास्टर भाई। और वो रहता कहाँ है? उसका वक्त आ गया था इसलिए वो मर गया। अरे उसे मरना था तो वो तो मर गया, लेकिन तू गवाही देने के लिए क्यों गया? मेरी आंखों के सामने उसने मर्डर किया है। अच्छा तो तेरे सामने जो भी होगा तो चुप नहीं रहेगा? तो तेरे सामने ही एक और मर्डर होगा, देखता हूँ कि तू क्या करता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो। इतना प्यार तुम्हें अपने बच्चे से है ना, मुझे भी अपने भाई से उतना ही प्यार है। अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो थाने जाकर मर्डर करने वाला मेरा भाई नहीं है ये बोलने के लिए बोलो इसे। मैं कहती हूँ। अरे भास्कर तुरंत वहां जाकर जैसा कहते हैं वैसा कर, जल्दी जा, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, जाना मेरे बच्चा बच जाएगा। तुम अकेले से बात करता हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? जाओ, माफी मांगो, मेरे बच्चे को छोड़ो। तुम्हारे अपने भाई ने ही तो गवाही दी थी ना। मेरा भाई पागल है सर, कल ही पागल खाने से आया है, कुछ भी बोलता रहता है। मार्केट में जिसने मर्डर किया था वो आदमी ये था या ये थे? इसे साई ने। क्यों रे, पुलिस के साथ मजाक कर रहा है? मजाक तो तू कर रहा है रे, इस पागल की बात सुनकर मेरे भाई को बेइज्जत किया तूने। चल मेरे भाई की इज्जत वापस कर, चल। सॉरी नहीं, तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर करा कर जाना होगा, नहीं तो उसी मार्केट में तुम्हारा मर्डर होगा। मुन्ना, मेरा मुन्ना। ताऊ जी, गैरों के हाथों में गुलामी कर रहे सदियों से इन लोगों को उस दिन
अहिंसा नामक हथियार से स्वराज्य दिलाने वाले बापूजी, आप जाते जाते समाज से अहिंसा को साथ ले गए और हिंसा को छोड़ गए। उस हिंसा से आज समाज में बेईमानी गुंडागर्दी बढ़कर सारा समाज उथल पुथल हो रहा है। वापस जन्म लेकर हमारे बीच आइए, आइए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। भांजे, आ रहा हूँ मामा। तुम्हारे पास दोनों है ना? हाँ है। और फिर पैसों की थैली कहाँ है? पैसों की थैली? लक्ष्मी, आ रही हूँ भैया। यहाँ आओ लक्ष्मी, पैसों की थैली है ना? हाँ, बैग में ही है। हाँ, सब कुछ सही है, अब चलते हैं। हाँ चलो, वो पेटी ले लो संभाल के। इन्हें देखो तो सही। भांजे, यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हमेशा रहती है क्या? सिटी है ना मामा, यहाँ ऐसा ही होता है। भांजे, वो हमारा सामान लेकर भाग गया। अरे चलो, रुको रुको रुको। अरे सामान कहाँ ले जा रहे हो? ये साहब, बहुत अच्छी तरह से चलाता हूँ मैं। सवारी बवारी कुछ नहीं चाहिए, चलो जाओ। अरे चलो, सामान लेके चला गया, कुछ बोला भी नहीं। क्या है मामा, ये अपने गांव में ऐसा नहीं होता। ये शहर है ना, यहाँ तो ऐसा ही रहेगा। वो तिलक लगाकर खड़ा जो है ना ड्राइवर, वो ईमानदार लगता है, उसके ऑटो में चले। हाँ। ओ भाई, चलोगे? क्या? लाल किला। हाँ लाल किला। हाँ ठीक है, चलो बैठो, चलो चलो। कहाँ जाना है? बोला ना लाल किला जाना है। हाँ। वहाँ जाने के लिए हाफ मीटर ज्यादा लगेगा। हाँ? देखा भांजे, मैंने कहा था ना कि वो ड्राइवर ईमानदार लगता है, हम लोगों को आधे भाड़े में ही लेकर जा रहा है। नहीं तो? मीटर से 25 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। मीटर से 25 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, ऐसा क्यों भाई? ऐसा ही होता है भाई। ये बात बैठने से पहले बतानी चाहिए थी। बैठते समय कोई नहीं बताता, बैठने के बाद ही बताते हैं भाई। रिक्शे में बैठने के बाद ज्यादा भाड़ा मांगना गलत नहीं है क्या? ओ भाई, पसंद नहीं तो पैसे देकर नीचे उतर जाओ। क्या बीच रास्ते में खड़ा करके भाड़ा मांग रहे हो, ये क्या है भांजे? जाने दो मामा, 25 ही ज्यादा मांग रहा है ना, दे देंगे। तुम चलो भाई। तुम दीवार साफ कर रही हो या उसे देख रही हो? जल्दी साफ करो। ठीक है साहब। हाँ शिवा, आओ भाई, कैसे हो? अच्छा हूँ। पता होता कौन सी गाड़ी से आ रहे हो तो स्टेशन लेने आ जाता मैं। यही है तुम्हारा घर? आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था, वैसे भी आपने हमारे लिए घर ढूंढा। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अरे वाह, तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारे पापा पे गई है। यो भाई सीताराम, सफर अच्छा कटा ना? समझो हमारी किस्मत अच्छी थी जो रेल पटरी पर चलकर आ गई। भांजे, इसको पैसे देकर भगाओ यहाँ से। हाँ दीजिए। कितना हुआ? अरे मेरा मीटर कहाँ गया? अरे अरे अभी तो लगा हुआ था। अरे कहाँ गया ये सब? क्या हो रहा है, ये क्या नाटक हो रहा है? मेरा मीटर कहाँ गया? तेरा मीटर कहाँ गया, मैं क्या जानू? मीटर के बिना पैसे कैसे देंगे? ऊपर से 25 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो सही कहा मामा। क्या बात है भाई? कुछ नहीं भाई, ऑटो पर चढ़ते ही मीटर डाल दिया। बीच रास्ते में आकर कहता है 25 एक्स्ट्रा देना है। मीटर के ऊपर 25 रुपए लोगे? हाँ वो दूंगा बोला था भैया, लेकिन मीटर कहाँ है? क्या नाटक है ये, क्या नाटक है ये? तेरे मीटर के बारे में तुझे नहीं पता है तो हमें कैसे पता चलेगा? ये सब नहीं चलता, पैसे देने पड़ेंगे आपको। मीटर कहाँ है? मीटर देखा भाई? गलती हो गई भाई, माफ कर दो भाई, मुझे लगा कि आप यहाँ पे नए हैं इसलिए मैंने आपसे ज्यादा पैसे मांग लिए भाई। तो वो एक्स्ट्रा 25? भाई मुझे मेरा मीटर दे दीजिए, मेरे लिए वही काफी है भाई। प्लीज मामा, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज भाई। निकालता हूँ। तेरी जात का, चले पकड़ तेरा मीटर। हमारे शिवा से पंगा लेता है भाई। जी भाई, ये लो। कोई अपनी तरफ से ज्यादा पैसे दे तो लो, किसी से जबरदस्ती मत करो। थैंक यू भाई। हाँ भाई शिवा, चलो अंदर। ऊपर से तिलक लगाता है, चीटर की औलाद। यहाँ रहकर 20 साल से जो मैंने नहीं किया वो तुमने 20 मिनट में करके दिखा दिया। तुम्हें कोई बात तो जरूर है। चलो पहले कॉफी पीते हैं। आ जाओ भाई शिव। हमारे यहाँ एक चीज बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है मधु स्वीट्स की मिठाइयाँ। शादी विवाह के लिए हम ऑर्डर लेते रहते हैं। आओ।
You are a strong man. थोड़ा सा मसल गया है। ओह, मेरे लड्डू तो हथौड़े से भी नहीं टूटते, लेकिन आपने हाथ से ही तोड़ दिया। तोड़ने में तो आप माहिर लगते हो। मैं मसलने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे अभी पता चला। ओह, you are a strong man. मामा, आया भांजे। ए, डांस मत करो, मिठाई बनाओ। सॉरी गिरी। ये आपकी बीवी है क्या? अरे मैंने कहा स्वीट स्वीट। अच्छा, स्वीट कहा। ये जहांगीर का साइज है। You're naughty. अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी साइज है भांजे। इतनी बड़ी साइज का जहांगीर तो हमारे गांव में नहीं मिलता है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इस साइज के जहांगीर बनाया तो स्वीट्स नहीं, मुझे अपनी दुकान बेचनी पड़ेगी। सारे इस साइज के थोड़े ना बनाऊंगी, ये तो मैं अपने घर ले जाने के लिए बना रही हूँ। तुम घर लेकर जाओगी ये मुझे ही बता रही हो? हाँ, वरना कोई चोरी थोड़े ना कर रही हूँ जो नहीं बताऊंगी आपको। गिरी, कल्पना राय की तरह जाड़ा बनाओ या ऐश्वर्या राय की तरह पतला बनाओ? सोनाली की तरह हिसाब से बनाओ। थैंक यू गिरी, थैंक यू वेरी मच। अब बस रुक जाओ तुम। ये तुम्हारी बीवी है? नहीं है, मैंने बताया ना। थोड़ा खुलकर बात कर रही थी ना, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ। नहीं है। गिरी, ये लोग कौन है? जानना जरूरी है क्या? तुम ज्यादा बात कर रहे हो गिरी। औरतों को मर्दों की और मर्दों को औरतों की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? वो क्या है, शिवा हमारे गाँव का है। हेलो, हाउ डू यू डू, आई एम मनीषा। ओ, आई एम सॉरी। मनीषा, फिल्म एक्ट्रेस मनीषा कोइराला यही है क्या? अरे नहीं भाई, मेरी बेटी ने इनके निकनेम्स रखे हैं। इनका नाम है जूही चावला, इनका नाम रवीना टंडन, इनका नाम है मनीषा कोइराला। तब्बू। हेलो। माधुरी दीक्षित। हाय, हाउ डू यू डू। करिश्मा कपूर। इनका नाम है उर्मिला। चलो शिवा, अंदर चलकर बात करते हम लोग। लो बेटी, खाओ ना शिवा। अच्छा, जान जाने पर भी गांव नहीं छोड़ूंगा कहने वाला अचानक सिटी कैसे आ गया, बताओ। बहन की पढ़ाई के लिए आया हूँ। मैं भी यहाँ कोई धंधा कर लूँ तो इसके साथ रह सकता हूँ ना। अरे धंधे का क्या है शिवा, यहाँ मिठाइयाँ बेचकर भी लोग करोड़ों कमाते हैं। मैं तुम्हें बैंक से लोन दिलवा दूंगा, तुम कोई बिजनेस कर लेना। बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी बहन की पढ़ाई है, फाइनल पास हो गई, इसे कॉलेज में पढ़ाना है। तुम लक्ष्मी के बारे में चिंता बिल्कुल मत करो, मेरी बेटी भी कॉलेज में पढ़ रही है, इसका ख्याल वो रख लेगी। क्या कहा, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है? हाँ, ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं पढ़ रही है, बहुत तेज है पढ़ने में। नए स्टाइल में आजा तू भी मेरी तरह। परवा ना कर तू किसी की, ऐसे ना शर्मा, बन जा मेरे जैसी तू भी, मान ले बात जरा। इस नए जमाने में तुझ बढ़ना है आगे, दौर में फैशन के हमें रहना नहीं पीछे। 21st century, यह 21st century, यह 21st century। सीख ले हमसे तू भी जीना, सुन ले बात
चाइन में आ जा तू भी मेरी तरह। फैशन में जाना तू, पर मना करना मन चलो कि मस्त अदा दिखाना तू। हे 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 बस में आके इतनी भीड़ में खड़े नहीं रह जाना तू, लेडी सीट से जेंट्स उठा के बिंदास बैठ जाना तू। शादी जब भी करना तू अपनी पसंद से ही करना तू, जो सदा तुझे खुश रखे साथी ऐसा ही चुनना तू, हर काम अपनी ही मर्जी से करना तू। यह तेरी फर्स्ट सेंचुरी, यह तेरी फर्स्ट सेंचुरी, यह तेरी फर्स्ट सेंचुरी। सीख ले हमसे तू भी जीना, सुन ले बात जरा, जी नए स्टाइल में आ जा तू भी मेरी तरह। फुल हो ब्लैक में टिकट खरीद के जाना, फिल्म को मिस मत करना तू। हाँ हाँ न्यू फैशन की ड्रेस पहन के रोज ऑफिस में आना तू, नए स्टाइल में बोल्ड अदा से बॉस के होश उड़ाना तू। जरा भी न घबराना तू, कॉन्फिडेंस में रहना तू, में हर रोज जाना तू, हेल्थ मेंटेन रखना तू, मेरी इन बातों को रखना याद सदा। यह तेरी फर्स्ट सेंचुरी, यह तेरी फर्स्ट सेंचुरी, यह तेरी फर्स्ट सेंचुरी। सीख ले हमसे तू भी जीना, सुन ले बात जरा, जी नए स्टाइल में आ जा तू भी मेरी तरह। किसी की ऐसे ना शर्मा, बच्चा मेरे जैसी तू भी मान ले बात जरा, इस नए जमाने में तुझे पढ़ना है आगे आगे। और में फैशन के हमें रहना नहीं पीछे, 21st century, यह 21st century, यह 21st century, यह 21st century। मैंने अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर लाइन मारी ना तो खाना पीना सब भूल जाएगा, दिन रात सिर्फ मेरा ही नाम जपेगा। ऐसा नहीं होने वाला, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। ये चेन किसकी जी है? मेरा है, थैंक यू। तुम्हारा शुक्रिया शिवा, मेरी बेटी का चेन बचाया तुमने। ये मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है। ये स्पीड वाली? हाँ हाँ वही शिरीषा। ये शिवा हमारे गांव के हैं, हमारे पड़ोस में आए हैं। नमस्ते जी। मामा इसके चेहरे पर पानी डालना, चोरी करना गलत है कहो। अरे इस गधे को क्या कहना, चलो भांजे जल्दी घर आ जाना। उसने तो एक हाथ से उसे उठा लिया, लगता है बचपन में क्रेन निकल गया होगा। शिवा को क्रेन या बुलडोजर कहा ना तो किसी रोड रोलर से कुचलवा दूंगी। इतना सीरियस क्यों हो रही है, लव एट फर्स्ट साइट हुआ क्या? नहीं, मैरिज एट फर्स्ट साइट। शिवा
तुम आम इंसान नहीं हो, तुम में कुछ तो बात है। ला 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 ला। इस उम्र में भी इतनी चमक रही है। अगर ये चमकती है तो हम इसे ज्यादा चमकेंगे, हम भी इसे कम नहीं है। अरे आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम कौन से कॉलेज से हो? मैं कॉलेज से? नानी माँ, ये कहाँ रख दूँ? वो इनकी उम्र इतनी तो नहीं लग रही है। आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? कभी भी नहीं नहाती है। यहाँ क्या कर रही हो? काम के वक्त ही नहीं यहाँ पर परेशान क्यों कर रही हो तुम? मैं इनके लिए नहीं आई हूँ डैडी। तो फिर रास्ते में जिन्होंने एक हाथ से चोर को पकड़ा था ना, मैं उनके डिटेल्स जानने आई हूँ। उनका नाम शिवा है। तुम्हारे पापा के गांव से है। बहन स्कूल फाइनल कर चुकी है, उसे कॉलेज में पढ़ाना चाहता है। ये डिटेल्स तुम्हें किसने बताया भाई? जानकारी बाद में लीजिए ना। उस लड़की का एडमिशन कौन से कॉलेज में करवाया? अभी तक तो कहीं भर्ती नहीं करवाया। तुमसे पूछ कर ही तुम्हारे कॉलेज में भर्ती करवाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच डैडी। मुझे पैदा करने के बाद आज आपने दूसरा सही काम करके दिखाया। बाय। वैसे है तो ये मेरी बेटी, लेकिन नसीहत मुझे ही दे रही है वो। हाय। मेरे पापा ने कहा आप आपके सिस्टर का कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं। हाँ जी। मैं ट्राई करूंगी। हमारे कॉलेज में पढ़ाओगे? तुम्हारा कॉलेज अच्छा है ना? हम भले तो सब भला। आखिर कौन से ग्रुप में ज्वाइन करवाना है आपको? एमपीसी में, बीपीसी में, सीईसी में या एचईएस में? अगर एमसीबी में ज्वाइन करवाना है तो इंटर के बाद एमसीईटी करवा के इंजीनियर बन सकती है। अगर एमसीईटी में रैंक नहीं आया तो बीएससी कर सकती है, उसके बाद एमएससी कर सकती है। अगर बीपीसी लिया तो एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकती है। डॉक्टर बनी तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करके रिश्वत खा के जी सकती है। और अगर इसे जॉब नहीं करनी है तो वो खुद का नर्सिंग होम खोलकर बहुत सारे पैसे कमा सकती है। और अगर ये सब टेंशन नहीं चाहिए तो कॉमर्स लेके आराम से फैन के नीचे बैठकर डेस्क जॉब कर सकती है। हाँ। आखिर किस ग्रुप में एडमिशन करवाना है आपको? किसी अच्छे ग्रुप में डलवाना। दैट्स इट। आप यही रुकिए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। इस लड़की को देखने के बाद इंसानों को बातों से ही मारा जा सकता है, इस बात का विश्वास हो गया भांजे। आई कार्ड कल कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए, अब हमने डॉक्टर का ग्रुप ले लिया ना? बिल्कुल सही, इसे बीपीसी कहते हैं। दो साल पढ़ने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक आया तो एमबीबीएस में सीट मिल सकती है। एमबीबीएस में पाँच साल पढ़ने के बाद डॉक्टर बन सकती है। डॉक्टर बनने के बाद किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करके रिश्वत लेके पैसा कमा सकते हैं। पैसा हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल बना सकते हैं, वरना लंदन जा सकते हैं। लंदन जाकर भी पैसा कमा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं क्या? आपको तो सब कुछ याद है। भूलने जैसा बताया क्या आपने? रात में सपने में भी आ रही हैं आप। क्या मैं सपने में भी आई थी? बहुत डरावना सपना था। कौन है ये गाँव के हीरो जैसा? इनका नाम शिवा है। मैंने कहा था ना उस दिन एक हाथ से चोर को उठाया था, वो यही है। हाथ देखकर तो नहीं लगता। देखने में से पता नहीं चलता, लेकिन इनके अंदर एक खास बात जरूर है। हाँ, क्या? पावर, एक्स्ट्रा पावर। छूने पर शॉक लगता है। मुझे यकीन नहीं। मैं भला तुम्हें यकीन क्यों दिलाऊं? हमारे सामने उठाने के लिए बोलो। मर्दों को ऐसा उठाने के लिए नहीं कहते। उठा के दिखाया तो ही मैं यकीन करूंगी। शिवा, उस दिन तुमने उस चोर को एक हाथ से उठाया था ना? ये यकीन नहीं कर रही है। अच्छा वो? हाँ। वो तो बहुत आसान है। तो फिर मुझे और शिरीषा दोनों को उठा के दिखाओ। उठा के दिखाऊं? हमारे गांव में तो एक हाथ से बोरी उठाने की आदत है मुझे, उसके मुकाबले आपका क्या वजन है। चलो हम चलते हैं। चलता हूँ। देखा ना कैसे उठा दिया? जवान है इसलिए उठा दिया। मतलब सारे जवान लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या? ए, इसे क्या हुआ? श्रीशा, क्या हुआ तुझे? श्रीशा, शिवा, तुम में जरूर कोई बात है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे पावर को भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मर्डर करने वाला पूर्णा है ये जानकर भी, बच्चे को जख्मी करके गवाह को डराने वाला रुद्र है ये जानकर अनजान बने बैठे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लानत है तुम पर। खाकी वाले और अपराधियों के बीच कोई फर्क ही नहीं रह गया। आपके पहले जो इंस्पेक्टर आया था वो भी पहले ऐसी बातें करता था, लेकिन आखिर में उन गुंडों से डर कर भाग गया, यही ना? पर मैं उस टाइप का इंस्पेक्टर नहीं हूँ। या तो वो सुधर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। केस फाइल करो, उस रुद्र प्रताप की गुंडागर्दी को मैं देख लूंगा। अगर अरेस्ट वारंट इशू किया तो उन्हें पकड़ लोगे तुम लोग? हाँ सर।
उन लोगों से सच उगलवा कर उन्हें सजा दिलाने पर ही पब्लिक को पुलिस पर विश्वास होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा ये सोचकर इस शहर में गुंडे मावालियों का राज होगा। सर बहुत तेजी में हो तुम। ओके। किसी को भी नहीं छोड़ना। हिला तो गोली मार दूंगा। तुझे और तेरे भाई को अरेस्ट करने आया हूँ, किस लिए बताऊं क्या? जरूरत नहीं। ए, नया एसआई साहब अरेस्ट करना चाहते हैं। उस कमरे में शर्ट पड़ी हुई है, ले आओ, थाने ले जाएंगे, है ना? कोई गोली है, बचाइए, बचाइए हमें, हमें बचाइए, छोड़िए, बचाइए हमें, बचाइए हमें। पद्मावती, तो तुम्हारी बीवियों की इज्जत जरूरी है या मुझे अरेस्ट करना? तुम आओगे ये जानकर इन्हें उठाया था। साहब आप कितने पावरफुल हैं, मैंने पहले इन्हें बताया था। साहब माफ कर दीजिए साहब। मैं कौन हूँ ये जानते हुए भी तुम लोग मेरे घर आए? रुद्र प्रताप को अरेस्ट करके प्रमोशन लिस्ट में ऊपर चढ़ना चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? मुझे अरेस्ट करने आया ना तू? बेल, मेरे हाथों से तो अरेस्ट वारंट इशू कराया था तुमने। सही है सर, लेकिन अगर आपने बेल नहीं दिया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे सर। उन्हें ये कर देंगे वो कर देंगे यही बोला था ना? पुलिस और कोर्ट तो काम करना ही नहीं जानती। सोसाइटी में दिन ब दिन गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है, ये तुम सभी जानते हो। ये इन ट्विन सिटीज का सबसे बड़ा शोरूम है, यहाँ सब कुछ मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी हा? वो गांव वाले चाचा जी की बेटी पहनती है ना? कौन सा ड्रेस? वही बेटी जो ऊपर ओढ़नी डालकर नीचे पैंट पहनते हैं ना। ओ, पंजाबी ड्रेस भैया। हाँ वो ले लो, अच्छी लगेगी। क्या पंजाबी ड्रेस? हाँ। आप मजाक कर रहे हो? क्यों, और क्या पहनना चाहिए? जीन्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, माइक्रो मिनीज वो सब पहनना चाहिए। वो इतना अच्छा रहता है। अरे बहुत अच्छा लगता है, वो पहनोगी ना तो आप भी अपनी बहन को नहीं पहचानोगे। चलो। हाँ इसे देखो, इसे टॉप कहते हैं, इसमें टाइट जीन्स पहनोगी ना तो अच्छा लगेगा। इसे शॉर्ट्स कहते हैं, इसमें लूज टॉप पहनोगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ये भी शॉर्ट्स हैं, इसके साथ ये मैच करेगा। ये सब क्या है? लड़कियों के कपड़ों के बजाय मर्दों के अंदर पहनने वाले कपड़े क्यों दिखा रहे हैं? शिवा ये चड्डी नहीं है, ये शॉर्ट्स है। अगर इसने ये पहना ना तो हमारे कॉलेज के सारे लड़के इसके पीछे घूमेंगे। और इस स्कर्ट पर अगर इसने स्लीवलेस टॉप पहना तो मजा आ जाएगा। विजयलक्ष्मी इधर आओ। ऐसे कपड़े पहनने से लड़के लट्टू होते हैं, इतनी ग्लैमरस लगोगी तुम। देखिए मेरी बहन ये कपड़े नहीं पहनेगी। नहीं पहनेगी? व्हाट डू यू मीन? इनके बारे में तुम नहीं जानते शिवा। बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस ओनली हमारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों को डायरेक्टली सीट्स मिल गई हैं। बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस ओनली विदाउट एडवांस बुकिंग के न्यू फिल्म की टिकट हमें मिल चुकी है। बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस ओनली बस में चाहे कितनी भी भीड़ हो हमें बैठने के लिए सीट जरूर मिल जाती है। बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस ओनली कुछ परेशानियां आ जाती हैं। कपड़े पहनने के लिए होते हैं, दिखाने के लिए नहीं। छोटे जी, बहन के लिए पंजाबी ड्रेस दिखाओ। पंजाबी ड्रेस? ओए जाकर हफ्ता वसूल कर। आओ भाई यहां बैठो।
जाओ जाओ। ये मेरे पिताजी थे। आदमी अच्छा था लेकिन गुस्सा थोड़ा ज्यादा था इसको। बाटा का सोलापुर का कोलापुर का चप्पल ले लो। मामा ले लो भाई। भांजे वो देखो। ये कितना? 110 रुपए का। इस चप्पल का? अरे साहब क्या बात करता है, प्योर लेदर का है। पता है ये भैंस का चमड़ा है तेरी तो, और 100 डालेंगे तो भैंस ही आ जाएगी भांजे। ठीक है भाई, आखिर कितने में दोगे? अरे 10 रुपए कम करके ले लो साहब। क्या हुआ, अब तक तुम्हारी शॉपिंग नहीं हुई? नहीं। आपको क्या चाहिए बेटी? हाँ केक चाहिए, मिलेगा? मैं लिपस्टिक खरीद कर आती हूँ। ठीक है। देखो तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, तब तक मैं फ्रूट्स लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। हे, तेरे को भाई बुला रहे ला। हे, इधर कहाँ जा रही? चल इधर, तुम्हारा भाई बुला रहा है। चल इधर। शोर नहीं करेगी तो आधे घंटे में छोड़ दूंगा रानी। क्या हुआ? मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। भाई आप इसे जानते हैं? नहीं, क्यों? तो हाथ क्यों पकड़? पसंद आ गए इसलिए। पसंद आ गई? एक घंटा ये मेरी रखेल बनकर रहेगी। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? उस गुंडे ने मेरा हाथ पकड़ा था, इन्होंने मुझे बचाया। अरे आजकल तो औरतों को घर से बाहर निकलना ही खतरनाक हो गया है। कम से कम थैंक्स तो बोल। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्यों रे, लड़की को छेड़ने पर मैंने तुझे जोर से मारा फिर भी तुझे अकल नहीं आई? चर्बी बढ़ गई है बे गैंडे तेरी तो। मामा मामा छोड़ दो, गलती हो गई बोल रहा है ना। हाँ, चल रहे। उठ, 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 तेरी जात का। सुन ले, दोबारा ऐसी गलती की ना तो भाग यहां से। चल भाग। उसे पहचान के मारा तुमने या अनजाने में मारा उसे? अरे अकल के अंधे, तेरे सामने ही तुम्हारा उसे। तुम्हारा टाइम खराब हो गया जो उससे पंगा लिया, दिखने में दूसरे गांव के लग रहे हो। मेरी बात सुनो, ये शहर छोड़कर तुरंत चले। क्या भाई, गलती करने वाले को समझाना गलत है क्या? देखो भाई, उसकी गलती को यहाँ गलती नहीं बोलते। गलती करने से ज्यादा गलती सहने वाला ज्यादा गलत होता है, समझ लेना। चलिए। शिवा तुम में तो बहुत बात है। ये क्या भांजे, ये तो हमारा ही सामान लगता है। हमारा सामान ऑटो में क्यों रख रहे हो? तुम लोगों को अभी के अभी अपने गांव वापस लौटना होगा। क्या हुआ? रुद्र के भाई को मारकर आ रहे हो और पूछ रहे हो कि क्या हुआ? यानी यहाँ अगर किसी गुंडे को मारा तो उसे ऑटो में बिठाकर गांव वापस भेज देते हैं क्या? तुमने किसी आम आदमी को नहीं, पूर्ण को मारा है। ये बात उसके भाई तक पहुँची तो तुम तीनों को वो मार डालेगा। मैंने कोई गलती नहीं की भाई,
उसने गलती की तो मैंने उसे समझाया। पर उसके लिए समझाना नहीं, उसकी गुंडागर्दी पर धब्बा है। भाई को मारने वाला जिंदा रहे तो उसका सिर दर्द करता है। अब जाओ, जल्दी जाओ। भाई, गलती करने वाला डरना चाहिए, मैं क्यों डरूं भाई? उसकी गलती को छोड़ो, उसे तुम्हारा सही गलत प्रवचन समझ में नहीं आएगा। अब ये सब छोड़ो और जाओ यहाँ से तुम जल्दी। शिवा की तारीफ करने के बजाय उसे भाग जाने के लिए कह रहे हो? ये क्या गिरी, इस कॉलोनी में सही मर्द आया तो उसे भी तुम जाने के लिए कह रहे हो? तुम अपना मुंह बंद रखो और जाकर काम करो अपना। तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। तुम मेरी बात समझो। जो लोग डरते हैं उन्हें डरना सिखाना गलत है डैडी। तुम्हें पता नहीं है शिरीषा, पूर्णा साथ में अगर शिवा का एक हाथ हिलाना भी चाहे तो नहीं कर सकते। चलो शिवा। वो हाथ हिलाते नहीं है, काट डालते हैं। किसी और की बहन को छेड़ा तो उसने तुझे मारा और तू मार खा के यहाँ आ गया। मेरे सेंटर में आकर मेरे आदमियों को मारा तो तेरी इज्जत नहीं जाने वाली। उसकी बहन कौन से कॉलेज में है? ए लक्ष्मी, छोटी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों? यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? इसके भाई को बोल कि अगर दम है तो आकर मार्केट सेंटर में मुझसे मिले। डैडी, डैडी, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? लक्ष्मी को रुद्र और पूर्णा उठा ले गए। पहले ही कहा था शिवा को, वो लोग खतरनाक है, शहर छोड़कर चले जाओ, पर मेरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ भाई? और क्या होगा, तुम्हारी बहन को ले गए वो, मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे। कौन ले गया? रुद्र के लोग। तुम्हें यहां कौन लेकर आया? सुनो भाई, मेरी बहन को यहां क्यों लेकर आए? कौन से गांव कह रहे तू? गांव से आपका क्या मतलब? ओहो, मैं कौन हूं जानते हुए भी मेरे भाई को मारा? इसने बड़ी गलती की थी, एक लड़की का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कर रहा था, यह गलत है ना? इसलिए दो लगाकर मैंने उसे समझाया। तुम बड़े हो, जरा समझाओ उसे, वरना किसी काम के लायक नहीं रहेगा। और अब ये यहीं पर तुम्हारी आंखों के सामने तेरी बहन का रेप करेगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा पूछा था ना, देख क्या कर लिया। अब पता चला ना, गलती करने वाले भाई को समझाने की जगह मेरी बहन के बारे में घटिया बोलता है। उससे अच्छा होगा कि अपने भाई को समझा। इस रुद्र के आदमियों पर हाथ उठाने वाला आज तक कभी जिंदा नहीं बचा। तुझ में हिम्मत है तो इसे अपनी बहन को पहना कर दिखा। Like
मैंने सोचा था तुझे समझाऊंगा तो तू तेरे भाई को समझाएगा, लेकिन तू उससे भी बड़ा कमीना निकला। बोल क्या करता है तू, क्या करता है तू, बोल। सर मैं बताता हूँ सर, ये रुद्रा है यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा, यहाँ के सारे दुकान वालों से हफ्ता वसूली करते रहता है सर। हफ्ता वसूल करता है? हाँ सर, अगर इसके खिलाफ गए तो मर्डर कर देता है सर। सर इसके पिताजी को इसके भाई ने मार डाला सर। हाँ सर, इसके खिलाफ गवाही देने की बात की तो इस कमीने ने मेरे भाई के 6 महीने के बच्चे को चाकू से काट डाला सर। इस दरिंदे की वजह से पुलिस स्टेशन में मैंने पागल का नाटक किया सर, पागल का नाटक किया मैंने। आपका सपोर्ट मिले तो इस हरामखोर की बोटी बोटी काट डालू सर, इसकी बोटी बोटी काट कर कौओं को खिला दू। मारो। सर ये झगड़ा रोकने या आपको अरेस्ट करने नहीं आया हूँ, इस कमीने के सिर से आपके सामने थोड़ा फुटबॉल खेलना चाहता हूँ सर। सर इसने हमारी औरतों को किडनैप करवाया और अपने आदमियों से उनका रेप करवाया सर। पूछ क्या रहे हो, मारो सारे को। सर जानते हैं गुंडा हमेशा क्या करता है सर, हमेशा स्त्री वाले कपड़े पहनता है और अपने बालों पर कंघी करता रहता है। ए, कपड़े उतार। ए, चल कपड़े उतार, उतार, चल, चल, उतार कपड़े। तेरे जात का दरिंदा, हाँ, चल, ये भी उतार, उतार, चल। ए छोटू, इधर आ। इसका सर मुंडो। मेरा हाथ साफ नहीं है। ए, तेरा हाथ साफ नहीं हो तो क्या हुआ, ये तिरुपति में नहीं आया, ये बड़ा गुंडा है, अगर बाल उतारते समय चमड़ी छिल जाए तो भी चलेगा। दोबारा कभी हफ्ता वसूली या गुंडागर्दी करता दिखाई दिया ना तो मार डालूंगा, उठ। निकाल। चलो बहन। अब शिवा शिवा। शिवा तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हें कुछ तो बात है। पापा जान तू मेरी, मेरे दिल की धड़कन में तू ही है बसी। हाँ बाबा मैं ही हूँ बसी, एक बार कह भी दे मैं जान हूँ तेरी। हाँ बाबा जान तू मेरी, मेरे दिल की धड़कन में तू ही है बसी। हाँ बाबा मैं ही हूँ
बसी दिल में मेरे जानम अरमां बसे है तेरे। रातों में मुझको बस ख्वाब आते तेरे, मेरी जवानी है तेरे लिए, तू है जा मेरी हाँ बाबा जान हूँ तेरी, हाँ कसम मेरी हाँ बाबा कसम है तेरी, एक बार कह भी दे मैं जान हूँ तेरी, हाँ बाबा जान तू मेरी, मेरे दिल की धड़कन में तू ही है बसी, हाँ बाबा मैं ही हूँ बसी। चाहे जी भर के प्यार मैं तुझसे करूं, दिल मेरा चाहे हर पल तेरे सीने से लगी रहूं, वल्ला वल्ला क्या बात तेरी, हले 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 बात बड़ी, अरे रे जान तू मेरी हाँ बाबा जान हूँ तेरी, चाहत है मेरी हाँ बाबा चाहत हूँ तेरी, मेरे दिल की धड़कन में तू ही है हाँ बाबा मैं ही हूँ बसी, एक बार कह भी दे मैं जान हूँ तेरी, आह बाबा जान तू मेरी, आओ करे प्यार करे मिल के करे जी भर के करे। मैं तो बस चाहूँ तुझे मेरा दीदार करो, भुला के सारा जहाँ तुझे मैं प्यार करूँ, तुझे अपना बना के दिल में बसा के रखूँ, तेरे सब नाज उठाऊँ पलकों पे तुझे रखूँ, आजा मेरी बाहों में आजा मिटने दे ये दूरी, तेरी तमन्ना तेरी हसरत करूँगा मैं पूरी, हले हले बातें हैं बड़ी, अरे अरे वल्ला वल्ला क्या बात तेरी, जान हूँ तेरी अरे जान तू मेरी, चाहत हूँ तेरी अरे रे चाहत है मेरी, एक बार कह भी दे मैं जान हूँ तेरी, अब बाबा जान तू मेरी, मेरे दिल की धड़कन में तू ही है बसी, अब बाबा मैं ही हूँ बसी, दिल में मेरे जानम अरमां बसे है तेरे, हर हर रात में मुझको बस ख्वाब आते तेरे, मेरी जवानी है तेरे लिए, तू है जा मेरी हाँ बाबा जान हूँ तेरी, तू है जा मेरी हाँ बाबा जान हूँ तेरी। तुम्हारे लिए ही आया हूँ बेटा, इस समाज में तुम जैसों की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है बेटा। कौन है भाई आप? उस गुंडे के हाथों सबको खोकर बचा हुआ अकेला बदनसीब इंसान हूं मैं। गुंडागिरी छोड़ के इंसान बनने को कहा तो मेरे बीवी बच्चों को मार डाला उसने, मैं यहां तुम्हें उसे मार के मेरा बदला पूरा करने को कहने नहीं आया हूं बेटा। मेरी बच्ची की तरह और किसी लड़की की जिंदगी उस कमीने के हाथों बर्बाद ना हो, यही फरियाद करने आया हूं। नमस्ते। अभी अभी जो उस रुद्र का बैंड बजाया ना तुमने, इसीलिए तुम्हें धन्यवाद कहने आया है। भाई आप कौन से गांव से आए हैं? बस एक छोटा सा गांव है भाई,
आपके गांव में आपके जैसे पावरफुल लोग और हैं क्या? अरे अकेले ही काफी है, पूरा शहर साफ कर देंगे। पागल कहीं का। अरे भाई महात्मा गांधी जैसा हर जिले में 100 नहीं, देश के लिए सिर्फ एक ही पैदा होता है, वैसे ही हमारे लिए यहाँ आया है ये शिवा। आपके छत्र छाया में चलते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। सवेरे से कुछ नहीं खाया, ये बिरयानी खा लो भाई। ये हाल किसने किया भाई? बताओ ना भाई, बताओ किसने की ये हालत? भाई इधर देखो भाई। बताओ तो भाई। इज्जत जाने के बाद और क्या चाहिए? भाई मुझे बताओ भाई, कौन है वो? उसका सर काट कर अभी के अभी तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। हाँ भाई मैं तुमसे वादा करता हूँ, पक्का। ए सुन भाई, के लिए खाना लाओ। अब चलो भाई खाना खा लो, बैठो लीजिए खाना खा लो भाई। सच में उसका सर काटेगा ना? मैं अन्न की कसम खाकर कहता हूँ, उसका सर काटे बिना नहीं खाऊंगा। हाँ भाई, उसका सर काट कर ही खाना खाएंगे। हाँ हाँ भाई। भाई 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 भाई, बाजार के सारे लोग शिवा का भरोसा हफ्ता मांगे तो जान से मार देगा बोल रहे हैं। शिवा वो कौन है? भाई का सर मुड़वाने वाला भाई है। अब इस बाजार में किसी को भी हफ्ता देने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स दीजिए, म्यूनिसिपल टैक्स दीजिए, कमर्शियल टैक्स दीजिए, लेकिन दादागिरी करने वाले को एक रुपया भी मत दीजिए, समझ गए? इस शहर के सबसे बड़े गुंडे यही है, रुद्र को मारा ना, ये लोग उसके सपोर्ट में आए हैं। जाओ जाकर हफ्ता ले लो, जो ना दे उसकी मुंडी काट देना। क्या हुआ? यही है वो। भाई का अपमान करने वाला इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकता।
निकलो यहां से, भागो भागो यहां से। उस दुकान में चले। ठीक है जी। अरे रुको साहब, कहाँ जा रहे हो? 10 रुपए के माल को वो दुकान में रख के 100 रुपए में बेच रहे हैं और मैं वही माल 10 रुपए में बेच रहा हूँ। कहाँ अंदर जा रहे हैं आप? सही गलत की पहचान नहीं क्या आपको? आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही कपड़े हैं, ये भी वही कपड़ा है जो शोरूम में रख के बेचते हैं। हाँ देखिए, तेरे को यहाँ पर ठेला लगाने के लिए तो तू मेरे कस्टमर को छीन रहा है मुझसे। क्या खींच रहे हैं? तुम भी तो लड़कियों को बिठा के खींच रहे हो ना। हम तो जुबान चला के ग्राहक खींच रहे हैं, यही तो धंधा है ना। देखो भाई, 20 लाख रुपए लगाकर मैंने ये दुकान खोली और इसने ये 500 रुपए का ठेला लगाकर अब ये मेरे कस्टमर मुझसे छीन रहा है, तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? आप ही बताइए, इतने साल से धंधा कर रहा हूँ, अब अचानक ये बोले गाड़ी हटाओ तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? तुमने इतने पैसे डालकर इस कॉम्प्लेक्स में दुकान खरीदी और ये लोग 100-200 रुपए रुद्रा को हफ्ता देकर यहाँ पर डेरा डाल देते हैं। हम इन्हें खाली करने को कहते तो हमसे लड़ते हैं ये लोग। मेरे पिताजी को भी मार डाला रुद्रा ने, अब हमें आप पर ही भरोसा है भाई, आप ही हमें इंसाफ दिलाइए। आप ही ने हम सबको रुद्रा के आतंक से बचाया भाई साहब, लेकिन आपका सारा लेकर ये तो हमारे पेट पर लात मारना चाहता है। देखो, किसी का भी नुकसान ना हो ये मैं देख लूंगा, तो तुम सब मेरी बात मानोगे ना? हाँ भाई, हाँ मानेंगे। तुम्हें क्या करना है ये जब तक मैं ना बताऊं आपस में झगड़ा मत करो। ठीक है, ठीक है, जाइए। हाँ चलो, ठीक है, चलो चलो, ठीक है, आ जाओ भाई, चलो। बहुत अच्छा। ये समस्या आज की नहीं है शिवा, कई सालों से चली आ रही है।
चीटी के साथ गरीबी और इन फुटपाथ वालों का बिजनेस भी बढ़ता गया है। गाड़ियां हटाया तो ये लोग नहीं जी सकते, हटाया तो वो लोग नहीं जी सकते। क्या सोच रहे हो शिवा तुम? कुछ नहीं था वो। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो। फुटपाथ पर धंधा करने वालों को अगर ये जगह दे दें तो उनका झगड़ा सुलझ जाएगा। शोरूम से खरीदने वाले लोग वहां जाएंगे और जो नहीं खरीद सकते वो लोग यहाँ आएंगे। उन्हें यहाँ ला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ताऊ, लेकिन आखिर इस जगह का मालिक कौन है? उसका भी एक रास्ता है। उन फुटपाथ वालों की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है भाई। हाँ भाई, रोज रोज का नया सरदर्द शुरू हो गया आजकल तो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने मदद किया तो वो जगह खाली कराकर उन्हें दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसके लिए आप सब लोग पैसों की थोड़ी मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप उन्हें वहां से हटा पाएंगे तो हम आपको 40 लाख रुपए देंगे। बहुत अच्छी बात है, चलते हैं। नमस्ते। उस जगह की कीमत 1,25,00,000 रुपए है, लेकिन जहां तक आप लोगों की भलाई का सवाल है, मैं 1 करोड़ में बेचूंगा। इतना पैसा एक साथ तो वो नहीं दे सकेंगे। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा एडवांस देकर एग्रीमेंट बना लेते हैं, बाद में 4-5 महीने में बाकी पैसे भी इकट्ठा करके दे देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैं पूरे पैसे मिलने के बाद ही करूंगा। ओके, थैंक्स नायडू। यहां तुम लोग धंधा कर सकते हो। इस जगह के मालिक से मैंने और ताऊ ने बात की, 1 करोड़ लगेंगे। बाद में 1 करोड़ एक साथ सुनने में ज्यादा लगते हैं। तुम 200 लोग हो ना, एक आदमी 30,000 देगा तो 60 लाख होते हैं। लेकिन 30,000 तो तुम्हें अभी देने की जरूरत नहीं है। तुम वहां से अभी खाली करोगे तो कॉम्प्लेक्स वाले 40 लाख देने को तैयार हैं। उन 40 लाख से इस जगह का एग्रीमेंट करा लेते हैं, बाद में 4-5 महीनों में आप 30,000 दे देंगे तो ये जगह आपकी हो जाएगी। बाद में अपने हिसाब से आप शेड डाल सकते हैं, बारिश आई या कोई तकलीफ हुई तो आपको गाड़ी ढकेलने की जरूरत नहीं, ताली बजाकर लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी गुंडे को हफ्ता देने की जरूरत नहीं। देखिए, हम सब के लिए दिलो जान से इतनी मेहनत कर रहे शिवा को तोहफे के तौर पे इस मार्केट का नाम शिवा मार्केट यार्ड रखे। मसीहा तू सच्चा नायक हमारा, तू तू है कोई अवतार, तू है बड़ा खुददार, सबसे कर तू प्यार, तू है बड़ा वफादार, दिल का है बड़ा तू, सब का है प्यार, तू है साथी हमारा तू। तू है देव मसीहा, तू सच्चा नायक हमारा, तू सच्चा नायक।
हमको है देवता कोई तू, खतरों से खेल तू, गमों को बस ढेल तू, नाम गाहों का रोशन है तुझसे नायक यहाँ का है तू। चाहे दिल से हर कोई तुझको ये भी दिल से प्यार करे, दिल में बसा के तेरी सूरत तेरा ही दीदार करे, बाकी तेरी जो भी दिल में चुप न रहे तो कह भी दे, तुझे दिल में है आरज़ू। तू है देव मसीहा तू, सच्चा नायक हमारा तू, तू है कोई अवतार, तू है बड़ा खुददार, सबसे कर तू प्यार, तू है बड़ा वफादार, दिल का है बड़ा तू, सब का है प्यारा तू, है साथी हमारा तू। अंजे क्या बात है, कैलेंडर देख रहे हो? कल्पना की अस्थियों को कल बहाना है, मैं वो काम खत्म करके आता हूं। रखेल से डांट खिलाया मुझे, तुम बर्बाद हो जाओगी। अगर हमने और दो हफ्ते ऐसे ही मेहनत किया तो हम अपने शिवा मार्केट यार्ड को जल्दी शुरू कर सकते हैं। आप सही बात कह रहे हैं। ये क्या, पुलिस जीप आई है? चलो देखते हैं। ये क्या, हमारी जगह पर पुलिस वालों को लेकर आए हैं? कौन हैं आप? अरे ओ गधे, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कौन है ये लोग? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ये जगह खरीदी है। मेरी जगह मुझसे पूछे भी नहीं खरीदिया। आपकी जगह? हाँ, इस जगह का मालिक मैं हूँ। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? ये जगह जी के नायडू की है, 1 करोड़ रुपया दिया है शिवा ने। ये शिवा कौन है, जेके कौन है, मैं नहीं जानता, निकलो यहाँ से। इसमें कोई धोखा है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ हाँ, नहीं हटे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। देखिए, शिवा ने हम सबको बताया है कि ये जगह इन सब के नाम पे रजिस्टर हो गई है। उसने धोखा दिया होगा, जाके उसको मारो या काटो, लेकिन चुपचाप मेरी जगह से निकल जाओ भी। हम नहीं जाएंगे, हमें धोखा दिया गया है, हमारा शिवा आने तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सब लोग बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ, बैठ सब लोग बैठ जाओ। ये सब क्या है? आप चिंता मत करें, हम इन्हें हटा देंगे। कैरी ऑन। यस सर। पुलिस वाले, पुलिस वाले, पुलिस वाले, पुलिस वाले, पुलिस वाले, पुलिस वाले, पुलिस वाले। शिवा कहाँ हो तुम? ओम अयोध्या मधुर अमाय काशी गांजवंति का पुरी द्वारा वधि जेवा सप्तय दे मोक्षदाय का गंगाजी गमिष्यामि सप्तय वनवताम्यम विभवान सुतम काशी वासवनम देवे। इन अस्थियों को जल प्रवाहित कर दे। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जा शहर में 1 करोड़ का घपला करके भागे हो, सब यही कह रहे हैं, टीवी पर दिखा रहे भाई। गरीबों को जमीन का लालच दे करके उनके साथ धोखा किया, ऐसा कह रहे हैं। पुलिस की फायरिंग में 10 दुकानदार लोगों की मौत हो गई है भाई।
हमारा शिवा अच्छा इंसान है, वो धोखेबाज नहीं है। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, उसे धोखे से फंसाया गया है। कहाँ है वो शिवा? शिवा बेकसूर है, वो भला करने वालों में से, धोखा देने वालों में से नहीं है मेरे भाई। ए, भाई ये भी उससे क्या दिया भाई? उसे छोड़ो भाई। बता, हमारे खून पसीने का मैं लेकर कहाँ भाग गया वो? बता कहाँ है? आप जाके पुलिस को फोन कीजिए। ठीक है। मामा जी। तुम लोग मुझे मारो या काट डालो, लेकिन शिवा धोखेबाज आदमी नहीं है। हाँ धोखेबाज नहीं है तो गायब का हो गया। जान से मार देगा। काट डालो। लेकिन शिवा अच्छा आदमी है, मैं नहीं दूंगा। शिवा धोखेबाज नहीं है। इसकी वजह से हम सब बर्बाद हो गए हैं, मालूम है ना आपको? इसका मतलब तुम लोग इसे मार डालोगे कॉन्स्टेबल्स? बेटी रोजा। रामू काका, इवा ने किसी को धोखा नहीं दिया है बेटी, इवा तो भगवान जैसा है बेटी, भगवान है। शिवा भगवान है ये मुझे पता है, जो सब कुछ हुआ मैं जानती हूँ, तुम बिल्कुल मत डरो। शिवा कहाँ ये बताओ। शिवा कहाँ चले गए थे तुम? मैं तो यही था, मैं किसके पैसे खा गया था? शिवा तुम ईमानदार हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन हम दोनों उस जी के नायडू के झांसे में आकर धोखा खा गए। हाँ, वो जगह उसकी नहीं है। इतना ही नहीं शिवा, वो रुद्र का आदमी है ये आज ही पता चला। शिवा उस जी के नायडू को मत छोड़ना, किसी भी तरह उससे हमारा पैसा वापस लेना होगा। अब वो कहां है? वो यही रहता है बेटा। जी के नायडू जी के नायडू। आया तो क्या करोगे ताऊ जी? बस्ती वालों से इकट्ठा किया हुआ पूरा पैसा मैंने ही गायब किया। क्या करेगा तू? मेरा क्या बिगाड़ देगा तू? चौंक लग गया क्या? वो खाली जगह तुम्हें दिखाकर मैंने जी के नायडू को उसका ऑनर बनाकर, तुम्हें फंसा कर उनका लीडर बनाकर, तुम्हारी जिंदगी उन्हें सौंप कर लोगों के पैसे तुम्हारी तरफ से इकट्ठा करवाए कैसी लगी तुझे? हाँ, असली बात तो भूल गया, तुम जिंदा रहे तो मैं कीर्तिमान नहीं बनूंगा ना, इसीलिए रुद्र से किया वादे के मुताबिक तुझे और तेरी बहन को रुद्र को सौंप दिया। रुद्र, मैं अपने वादे के मुताबिक शिवा को तुम्हें सौंप रहा हूँ। तो यहाँ पर सबको मार के अपनी बहन को तू यहाँ से लेकर चला जाएगा।
ले जाएगा ना, ले जा रहे मार डालो इसे। शिवा, जब तेरी बहन का हाथ पकड़ा था तो मुझे मार कर सरे आ मेरा सर मुड़वा के मुझे पागल बनाया था ना तूने। जानता है इतने दिनों से अपने सर पर मैंने एक बाल नहीं उगने दिया, जानता है क्यों? तेरे टुकड़े करने के बाद ही अपने बाल उगाऊंगा मैं। अब सबके सामने मेरा भाई तेरी बहन के कपड़े उतार कर उसका रेप करेगा। क्या करेगा रे तू, क्या करेगा तू? नहीं, क्या उखाड़ेगा तू मेरा? छोटी बच्ची तो ढको मेरी बहन पर, कोई कपड़ा तो ढको कोई कपड़ा तो ढको उस पर कोई कपड़ा डालो मेरी बहन पर, कोई कपड़ा डालो भाई Thank you.
शिवा शिवा भांजे शिवा ये क्या हो गया भांजे लक्ष्मी 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 अरे ये चेहरे की कब्रिस्तान है तुम लोग कोई इंसान हो या नहीं इतने सब कुछ हो गया सब लोग अंदर छुपे बैठे हो बाहर आओ रे बाहर आओ अरे बाहर आओ बेटी लक्ष्मी शिवा हे भगवान अरे भगवान मैं क्या करूं यहाँ कोई इंसान नहीं रहता शर्म वरम नहीं है तुम लोगों में यहाँ इतना सब कुछ हुआ तुम लोग देखते रहे तुम लोगों की बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा होता तो चुप रहते बताओ शिवा शिवा भाई 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 वो शिवा अस्पताल में है भाई क्या बात कर रहे हो तुम लोगों में इंसानियत नहीं है शैतान से भी बदतर हो तुम लोग किस इंसानियत की बात कर रही है आप इसी अस्पताल में जब हमारे 10 आदमी मरते तब आप कहा थी आज वो मरेगा साला कभी ना हमारे परिवार वाले और घर वालों को मारने वाला जिंदा नहीं बचना चाहिए हम लोग उसे मार डालेंगे ऐसे धोखेबाज को जिंदा छोड़ देंगे तो पता नहीं और कितने घर उजड़ेंगे कितने लोगों की लाशें गिरेंगी चुप हो जाओ शिवा की महानता के बारे में तुम लोग क्या जानते हो इस दुनिया से धीरे धीरे लुप्त होते हुए इंसानियत का एकमात्र सहारा है शिवा बिहार में 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला करने वाला मंत्री है लालू अरे रामू हमारे भैंस लालू तो एक दो से ज्यादा घास नहीं खाती लेकिन बिहार में ये लालू 100 करोड़ कैसे खा गई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है बेटा लालू कोई भैंस नहीं है इंसान है आ? और उसने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है अरे तुम लोगों की समझ में क्या आया चुपचाप चाय बना अरे छोटू हाँ? 2 चाय लाना ठीक है मेरी बीबी को बहुत दर्द हो रहा है उसे बच्चा होने वाला है जल्दी से बस निकालिए ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बस चलने में भी आधा घंटा समय है इतना घमंड अच्छा नहीं है किसानों की वार्निंग जल्दी कीजिए ना साहब बहुत हालत खराब है जल्दी चलिए नहीं तो माँ की जान को खतरा है साहब जी सिर्फ 2 लोगों के लिए अगर बस निकाला तो बाकी का टिकट कौन देगा बस में भी कुछ रूल होते हैं कि नहीं है तुम कुछ भी कहो बस तो आधे घंटे बाद ही जाएगी चलिए ना ये ट्रांसपोर्ट है जल्दी जाओ तो परेशानी लेट जाओ तो परेशानी सब टाइम पे होता है भैया भैया आप ही कुछ बोलिए ना जान को खतरा है भैया देखो बहन अपनी जरूरत के लिए बस जल्दी नहीं निकाल सकते हैं वो लोग टाइम पर ही निकालेंगे
करेक्ट बोला शिवा भाई, आप जो बोलते हो सही बोलते हो। पैसे न लौटाने पर कंडक्टर की जोरदार धुलाई। भाई हम सबको चाय दो। ठीक है भाई। अरे बाप रे, कंडक्टर भाई साहब चाय पी ली आपने, दूध में छिपक ली थी। चाय में छिपक ली थी, अरे कमीने वाला। ए चल जल्दी चल, तो मर जाएंगे। ए चल जल्दी बात। शिवा भाई छिपकली वाली जहरीली चाय पी ली और हॉस्पिटल ले जाएंगे तो मर जाएंगे। बस निकलने में अभी आधा घंटा बाकी है, लेट हुआ तो मर जाएंगे भैया। हम रूल्स पे चलते हैं, हम आरटीसी से हैं। जल्दी गया तो परेशानी, लेट गया तो परेशानी, सब टाइम के मुताबिक होना चाहिए। भांजे ने कहा एकदम सही है, शायद आधे घंटे में तुम दोनों की टिकट कट जाएगी। शिवा भाई उस लड़की के साथ हम तीनों हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे भाई। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जान पे बनाई तो रूल्स तोड़ोगे। उस लड़की के लिए रूल्स याद आए थे तुम्हें? रूल्स की बात करके मैं फंस गया हूं भाई। गर्भवती औरत एक देवी समान होती है, बेकार में टाइम टाइम कहकर बक रहे थे ना। रूल्स सबके लिए होते हैं, आधे घंटे तक यहाँ से बस नहीं जाएगी। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, अब हम हॉस्पिटल जाके तीनों एडमिट हो जाएंगे भाई। तीनों की जरूरत नहीं है, उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। छिपकली मैंने ही डाली थी, वो भी तुम्हारे पीने के बाद डाली थी। देखो नौकरी से ज्यादा इंसानियत जरूरी है, याद रखना। शिवा भाई गांव से आपका साला आया हुआ है। शादी से पहले गलती करके शादी के बाद तुझे पुराने सामान की तरह फेंक देगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। देखने वाला कोई और है, दिखाने वाला कोई और है, करने वाला कोई और ही है। मैं तो नाम के लिए ही बीवी हूँ, लेकिन खाना देने वाले कोई और है, बिस्तर पे सोने वाली कोई और है। पति के होते हुए भी मैं विधवा की तरह जी रही हूँ इस घर में। अरे देखो रे भैया, देखा ना भैया, मेरी गोद भराई के लिए तुम बहुत दूर से आए हो, तो साले से खैरियत पूछने की अकल ही नहीं है इस इंसान में। गांव वालों के साथ घूम के आया तो हमारी क्या जरूरत है, उससे बात नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बीवी हो, उसने भी पेट से हो, तुमने खाया या नहीं ये पूछा तुम्हारे पति ने। सिर्फ नमक खाने से ही काम नहीं चलता, नमक का हक भी अदा करना पड़ता है। हमारी 500 एकड़ की जायदाद के लिए शादी से पहले ही तुझे माँ बनाकर ये खाना कैसे खा पा रहा है? हे ईश्वर, ये घर है या नहीं? सुन लो, तुमने तो सिर्फ कान ही बंद किया है, लेकिन इसकी करतूतों की वजह से गांव के लोगों ने नीचे ऊपर सब बंद कर लिया है। चलो मामा का लड़का है सोचकर घर बुलाया तो मेरी बहन को ही माँ बना दिया इसने। शादी के बाद तो उसे खुश रखता वो भी नहीं है। सोने जैसी बीवी को घर में रख कर भी रखेल चाहिए इसे, रखेल। अरे गुस्से में तो मैं इसे कप का मार के फेंक दिया होता, बहन का पति है इसलिए बच गया। बड़ा ही सज धज के जा रहा है उस कमीनी के लिए और परफ्यूम मार के वहाँ रात गुजारने जा रहा है। देखा ना भैया? देखना क्या है, दरवाजा बंद करके सारी रात उसके साथ बिताएगा, आखिर है कौन वो, बहुत खूबसूरत है क्या?
मेरा ये दिल नशी, तेरे लिए मैं तो हूँ बनी, ये तेरे लिए है जवानी, होय 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 होय। युक्ति तू है चांदनी, तेरे जैसी दुनिया में ना कोई, तेरे नाम से ही रंगी ओढ़नी, तेरे सिवा दिल में ना है कोई, होय 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 होय। जब से है तेरा प्यार मिला, जैसे जन्नत का मुझे एहसास मिला, तेरे प्यार में सनम डूब जाऊं मैं भी। मैंने माना तेरा रूप बड़ा प्यारा, मेरे यारा, तू जान से है ही चेहरा, होठों पे नाम है बस तेरा तेरा तेरा। सच्चा है सनम ये प्यार मेरा, है सागर से भी ये गहरा, दिल को चुराए तेरी शोभा अदा, तुझ पे कसम से मैं फिदा, वादा है तुझसे ये मेरा, चाहूंगी तुझको मैं हर घड़ी, हाँ बस तेरी लगन ही दिल को है मेरे लगी। मैंने माना तेरा रूप बड़ा प्यारा, मेरी तुम दिल में हो, मेरी तुम जान में हो, तुम ही हो प्यार मेरा, एतबार मेरा है तुमसे जहां मेरा। रोजा, मेरी बात मानकर इस गांव से ट्रांसफर करा लो। क्यों, तुम पर चीटिंग केस करूंगी इसी डर की वजह से? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। तुम अगर सच में चाहते तो मुझसे प्यार करके, मुझसे शादी का वादा करके, तारीख तय करके, शादी का कार्ड छपवा के सारे गांव में बता देते, तो इस तरह मेरे घर में छिपने की नौबत क्यों आती? इधर तुम मुझसे कहते हो कि मेरे बिना नहीं रह सकते, उधर अपने रिश्तेदार के बेटी के साथ लव अफेयर करके, उसको प्रेग्नेंट करके उससे शादी कर लिया। गांव के इज्जतदार इंसान हो, मुझे इस तरह धोखा दोगे? ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर मुझसे दूर क्यों हो गए? क्या मुझसे ज्यादा तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा दौलत वाली है, या फिर मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत कह दिया? बोलो शिवा, बोलो ना। रेगिस्तान की प्यासी कमीनी, तुझे मेरा ही पति मिला क्या? गांव में सभी मर्द मर गए क्या? बोल नागिन। देखिए, जबान संभाल के बात कीजिए। अरे तुझसे जबान संभाल कर क्यों बात करूं? तुम में ऐसी कौन सी शराफत वाली बात है? दूसरी औरतों के साथ तुम्हें शांति मिलती है? अरे रोना ही था तो घर पे आके रो सकते थे ना, इस औरत के साथ क्या रोना धोना? देखिए, बेवजह की बातें मत कीजिए, चुपचाप यहाँ से चले जाइए। बंद करके ही जाएंगे, पहले अपने आशिक मियां को बाहर निकालने को बोल। अगर मेरा पति सही होता तो मैं इस बला के घर क्यों आती? और वैसे भी बेशरम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशरम इंसान के लिए ये तो छोटी सी बात है। बेशरम कही के तुमने रखेल के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाओगे, कभी सुख नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाओगे।
ये नाटक कब तक चलेगा मैं देख लूंगी। चलो भैया। ऐसी परेशानियां बहुत होंगी, इसलिए जाने के लिए कह रहा हूं। पहले तो मुझे धोखा देने की वजह मैं जानना चाहूंगी, तो ही मैं यहां से जाऊंगी, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना है। मैं यहां से हरगिज़ नहीं जाऊंगी। चल, चाहे मुझे थाने में बंद करके रखो, मैं आत्महत्या करके रहूंगा। शट अप। लाठी दिखाकर तुम मुझे अलग कर सकती हो, मेरे प्यार को नहीं। क्या बात है? आज संजीव जी की बेटी की शादी है। हाँ, हम भी वहीं जा रहे हैं। ये उस लड़की का लवर है। शादी के मंडप के पास जाकर ये रास्कल झगड़ा करने वाला था। ऐसा करना तो गलत है ना भाई? गलत कैसे होंगे भाई, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हम। मंदिर में शादी करने का वादा किया था हमारे साथ, आज मेरे पास नौकरी नहीं है तो उसकी शादी किसी और से कर रहे हैं, ये अन्याय कब तक चलेगा भाई? वो लड़की तुमसे प्यार करती है? मेरे पास उसका लव लेटर है भाई। तेरा आशिक शिवा के साथ में आ रहा है, अगर उसने तुझसे पूछा कि तुझसे प्यार करती है तो कहना मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं उसे जानती तक नहीं। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते भाई। नमस्ते। आपसे थोड़ा काम था। बोलिए ना भाई। जरा आइए। इसके बारे में ना भाई, ये बहुत बदमाश है भाई, मेरी बेटी तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ऐसी बात है? हाँ। लेकिन ये कह रहा है कि सारे खत आपकी बेटी ने लिखे हैं। ये झूठ बोल रहा है भाई। झूठ है? हाँ। क्यों छोटे, क्या नाटक चल रहा है भाई? मेरा प्यार सच है, झूठ उससे पूछ लीजिए ना भाई। झूठ निकला तो तुझे यहीं मार डालूंगा। भाई एक बार लड़की को बुलाकर ये सब झूठ है ऐसा कहलवाओ, फिर मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। इस लड़की से? हाँ भैया। इस लड़की से तुम प्यार करते थे? हाँ। इसके लिए तुम मरने वाले थे? यह तो बड़ी चालू लड़की है छोटे। इसे गांव में 5-6 के साथ फिरते हुए तो मैंने देखा है, और तो और इसने तो मुझ पर भी डोरे डाले। क्यों मामा? आ भांजे। ए, क्या बकवास कर रहे तू? जान से मार दूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा। भाई परात करता है, मैं तुझे काम चलूंगा। झूठ बोलता है, लगन लगाता है मेरी गर्लफ्रेंड पे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। मेरी प्रेमिका एकदम पवित्र है, आग की तरह पवित्र है। तू सर मत झुका मेरे भाई, उस लड़की को जान देने वाले इंसान को छोड़ा इसलिए उस लड़की को रोना चाहिए। वो चरित्रहीन है बोला तो इस भाई पर हाथ उठाया मतलब तुम उस लड़की से कितना प्यार करते हो ये मैं समझ गया। तुझ जैसे भले इंसान को दूर करना ये उसकी बदकिस्मती है। देखो भैया, तुम्हारी बेटी के बारे में बुरा बोला इसलिए मुझे माफ कर दो। आखिर तुम्हारी बेटी से ये कितना प्यार करता है ये जानने के लिए मैंने ये झूठ कहा। तुम्हारी बेटी बुरी है बोलते ही शादी करने वाले लड़के ने शक किया, तुमने छी कहा फिर भी इस लड़के ने उसके लिए आंसू बहाए। सगे बाप होकर भी तुमने मेरी बातों पर विश्वास किया, अपनी बेटी पर शक किया, लेकिन सिर्फ इस लड़के ने तुम्हारी बेटी सही है। मैं सच में शंकर से बहुत प्यार करती हूँ भैया, मेरे पिताजी ने जहर खाने की धमकी दी थी, इसीलिए दिल पे पत्थर रख के मैं शादी के लिए राजी हुई। ये सब क्या है भाई? मुझे माफ कर दो भाई, छोटी बच्ची है, प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी खराब कर ले की इस बात का मुझे डर था। इस लड़के से कोई गिला शिकवा नहीं है, इसी मंडप में इन दोनों की शादी करवा देंगे। जाओ दोस्त, जाकर मंडप में बैठो। अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? जाओ 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 बेटा, जाइए। भाई तुम्हारी शादी तोड़कर उनकी शादी करवाई इसका बुरा मत मानना, हमसे ज्यादा दिल जरूरी है, बड़प्पन रखो। आज इस शादी में हिस्सा लेकर मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। बहुत अच्छी बात है, चलो। क्या
किसी और की जिंदगी संवारने के लिए और उनके प्यार के खातिर शादी को रोककर उस जोड़े को मिलवाने का आप संकल्प करते हो, तो फिर मुझे क्यों धोखा दिया? सबके मामले में तो न्याय देकर फैसला करते हो, अपनी तो शादी की कार्ड भी छप गई थी शिवा, बिना वजह बताए तुमने शादी रोक दिया शिवा। गलती मुझ में है या तुम में? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती शिवा। Still I love you, I love you, I love you। किसी के भी कहने से वो नहीं जाएगी, ऐसा बोली वो। इतने बड़े आदमी को सारे गांव के सामने I love you कहती है। सात फेरों के बाद भी पति किसी और का आशिक बन जाता है। पता नहीं मेरे पति को कौन से पल्लू के साथ बांध रखा है। छोड़ दिया तो सारे गांव के मर्दों को अपने पल्लू से बांध लेगी। ऐसी लड़कियों को छोड़ना नहीं चाहिए। आज इसका फैसला करके रहेंगे। अरे ओ बेशरम, चल बाहर निकल। ए, मेरे पति को तू छोड़ेगी या नहीं बोल। इससे बात क्या कर रही हो? चोटी पकड़ कर बाहर खींचो। ए, तमीज से बात करो। तू हमें तमीज सिखाएगी नालायक? एक गर्भवती औरत को मारते हुए शर्म नहीं आती? हेलो, कमिश्नर साहब बोल रहे हैं सर। मैं रामपुर से हवलदार राम सिंह बोल रहा हूँ सर। यहाँ गांव की सारी लेडीज इंस्पेक्टर साहिबा को मार रहे हैं सर। आप जल्दी आ जाइए सर। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। मेरा शिवा के साथ नाजायज संबंध है। बाप रे, क्या क्या बोल रही है? हाय दया, ये तो बेशरम हो गई है। और बेशरम बनूंगी, पूरे गांव के सामने शिवा के साथ संबंध बनाऊंगी। सारी जिंदगी शिवा की गर्लफ्रेंड बनकर रहूंगी, जब मर्जी शिवा के साथ सोऊंगी। पता नहीं कैसी बेशरम औरत है, देखो कैसे खुलेआम बात करती है। हाँ चलो भाई चलो। ये मत भूलो कि तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो। तुम्हारी वजह से इस बारिश में यहाँ तक आना पड़ा। ये क्या कह रही है मैडम? इतनी छोटी सी बात के लिए सीआई साहब को फोन कर दिया, अकल नहीं है तुम्हें? वो बात नहीं है मैडम, इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर गया था मैडम। मौसम ठंडा है इसलिए एक गरम पैक मार के आया हूँ। क्या हुआ, झगड़ा हुआ करके कोई फोन आया था मेरे पास? झगड़ा नहीं हुआ सर, बेवजह घबरा कर आपको परेशान कर दिया। ना, यहाँ आने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच बात कहूँ तो इट्स अ प्लेजर। प्लेजर क्यों जानती हो? इस गांव में मेरी एक गर्लफ्रेंड रहती है। इस गांव के शिवा को जानती हो क्या? जानती हूँ सर, उसकी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे तो वो पेट से होनी चाहिए, है ना, होनी भी चाहिए। मेरा ब्रीड जो है, असल में ये सारी स्टोरी जब मेरी उस गांव में पोस्टिंग हुई थी तब शुरू हुई थी। नमस्कार बेटा। नमस्ते बेटा, आप प्रेम विवाह करने वाले हो? हाँ रामू काका, मामा जी को न्योता देने आया हूँ। नमस्ते शिवा भाई। नमस्ते। मामा जी। शिवा बेटी,
इसे इसे मेरी नजरों से दूर करो, अंदर ले जाओ इसे। अब मैं नहीं जी सकता। ये क्या कर रहे हैं मामा जी? मेरे मरने से पहले मुझसे एक वादा करो बेटा। कैसा वादा? मेरी बात मानोगे? पहले मुझसे वादा करो। बोलिए मामा जी। मेरी बेटी से तुम शादी कर लो शिवा। उसके पेट में पल रहे बच्चे के तुम पिता बन जाओ। मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया है शिवा। वो किसी इंस्पेक्टर के चक्कर में गर्भवती हो गई है। मैंने उसे अपनी बेटी से शादी करने को कहा तो उसने कहा कि उसकी दो दो बीवियां हैं, चाहिए तो इसे रखेल बना लूंगा। अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी बहन के बेटे हो, मेरी इज्जत बचा लो। मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब ऐसी बात नहीं है मामा जी, मेरी शादी तय हो गई। तब से वो शिवा उससे शादी करके उनको दिया हुआ अपना वचन पूरा कर रहा है। आज तक उसने उसे हाथ नहीं लगाया। क्या बेवकूफ आदमी है वो। अब यहाँ आया हूँ तो एक बार उससे मिल के जाता हूँ। वैसे वो बच्चा तो मेरा है लेकिन मेरा उससे कोई सेंटीमेंट नहीं। अपनी गोद भराई के गहने क्यों निकाल रही हो? रहने दो बहन, ऐसे गहनों से सजी हुई तुम लक्ष्मी देवी जैसी लगती हो। थोड़ी देर आंख भर के देख लेने दो। पति का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम सगे भाई का तो प्यार मिल गया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ये काफी है मेरे लिए। अब आज से तुम्हें कोई काम नहीं करना है। रात को भी बिना कुछ खाए सो गई, इसलिए आज तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। तुम मुझे क्यों खिलाते हो भैया, मैं खा लूंगी ना। कोई बात नहीं बहन। तुम भी ना भैया, छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हो, मैं खा लूंगी। माँ बापू रहते तो तुम्हारी गोद भराई धूमधाम से करते, वो नहीं है तो कम से कम मुझे तो ये कर लेने दो। हर जन्म में तुम ही मेरे भाई बनना। हाँ, इस वक्त तुम जितना ज्यादा खाओगी उतना ही होने वाले बच्चे के लिए अच्छा होगा। भैया पेट में कुछ घूम रहा है। नौवा महीना है ना, लगता है बच्चा अंदर खेल रहा होगा। वो भी हो सकता है। मैं देखता हूँ इसे। अरे बांजे, तू अंदर रहकर मेरी बहन को मार रहा है। बाहर आने के बाद मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, समझ गए बेटा? हाँ।
भैया मुझे नहीं सहा जाता। भैया भैया मुझे डॉक्टर के पास ले चलो भैया। भैया भैया मुझसे नहीं सहा जाता भैया, डॉक्टर के पास ले चलो भैया, भैया ले चलो डॉक्टर के पास। मुझे माफ कर दो बहन, तुम्हारे खाने में मैंने जहर मिला दिया है। भैया तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज है, मुझे सब पता चल गया है। भगवान जैसे जीजा को डांटते हुए तुम बड़ी सती सावित्री की तरह ढोंग कर रही थी ना, मैं सच जान गया हूँ। इस पाप के बराबर के हिस्सेदार उस सीआई को मार डाला। शादी से पहले गलती करके शादी के बाद भी अपनी गलती को छिपाकर तुम जीजा को सता रही हो, ये बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मैं अपनी गलती कबूल करती हूँ, मेरे पेट के बच्चे को मत मारो, मैं तेरी सगी बहन हूँ भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो भैया, डॉक्टर के पास ले चलो, मुझसे नहीं सहा। रो मत, तुम रो मत, तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर तुम्हें बचाने का जी करता है। रो मत, तुम रो मत, मेरा बच्चा, तुम्हारा पाप बच्चा बन करके मंदिर जैसे इस घर में नहीं आना चाहिए। नहीं, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। भैया 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 भाभी को मार डाला इसने। क्या? नहीं जीजा, तुम रुक जाओ, इस कमीनी को मर जाने दो, इसे जीने का कोई हक नहीं। पागल हो गए हो क्या? हट जाओ। रुक जाओ जीजा, रुक जाओ, मर जाने दो इसे। कल्पना, 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 हे कल्पना, हे कल्पना, 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 तू इंसान है या जानवर? एक गर्भवती औरत को मार डाला तूने? कल तक मैं एक जानवर ही था, लेकिन आज इस पापी को मारकर एक इंसान बन गया हूँ। मैं इंसान बन गया हूँ, शिव जी के साथ पार्वती को रहना चाहिए, ऐसी कमीनी को नहीं रहना चाहिए, इसलिए मार डाला जीजा इसे। आज तक पिताजी की मौत की वजह मैं तुम्हें समझता रहा, मैंने बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो जीजा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम महान हो, तुम महान हो जीजा, महान। ये क्या शिवा, सारी जायदाद गांव के नाम कर दी? जब तक ये गांव रहेगा तब तक मेरी बीवी का नाम रहना चाहिए। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। इतने अच्छे इंसान पर निंदा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शिवा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। यक्कडुंदिरा आसट्टम
నన్ను పెట్టుతోందిరా నీ న్యాయం పొంతున నిప్పును దాచి నీ గుండెను నెత్తుట ముంచి ఎవ్వరు చూడవని కన్నీరయ్యావా ఎక్కడుందిరా ఆ చట్టం నడుబెక్కుతోందిరా నీ న్యాయం कर दो शिवा। ये क्या है? दुकानदारों का पैसा धोखे से हड़प जाने वाले उस ताऊ के ऊपर केस करूंगी। तुम्हारी बहन का रेप करने वाले प्रकाश के ऊपर केस करेंगे। तुम्हें जान से मारने की कोशिश करने वाले उस रुद्रा और उसके गैंग के ऊपर केस फाइल करना है हमें। अगर तुम साइन कर दोगे तो उन्हें अरेस्ट करके फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। जरूरत नहीं शिवा, कोर्ट में तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, वादा करती हूं। मुझे कैसा इंसाफ मिलेगा मैं जानता हूं। मेरी बात सुनो शिवा। मेरी बहन के रेप से, मुझ पर हुए मर्डर अटेम्प्ट से रुद्र गैंग का कोई लेना देना नहीं है। दया करके हमें इस केस में मत डालो। शिवा, तुम डर रहे हो? बादल को देखकर अगर सूरज छिप गया तो यह धरती पर काला साया आ जाएगा। शिवा, तुम जैसा इंसान अगर गुंडा राउडी मवालियों से डर गया तो। रोजा, तुम कुछ भी कहो, मैं उन पर केस नहीं करूंगा।
गांव में जिसे भगवान का औकात दिया जाता था वो चंद गुंडों के हाथों हार जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। आई पिटी यू शिवा। साला हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई उसकी, हम पर केस नहीं। आंखों के सामने बैठ कर देखकर फट गए साले की। हमसे डर करके अस्पताल में चादर ओढ़ के लेट गया। पहले वाला शिवा होता तो चादर हमारे लाशों पर बिछा देता। मारो गोली, उसका चैप्टर क्लोज। हमारी तलवार का कोई जवाब नहीं है। क्या भाई? अरे जेपी, अरे गांधी, अरे अरे आज का पेपर पढ़ा क्या? पेपर पढ़े क्या पूछ रहे हो? यानी कि हमें पेपर पढ़ना नहीं आता? अपने आप को शाना समझ रहा है? अरे वो बात नहीं है। क्या बात नहीं है? क्या बात नहीं है? अरे उसने पूछा कि पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि रेप किया कि नहीं किया? इसके बारे में तुम नहीं जानते। मैं इसके कैंप में गया था तो ये मेरी बीवी के पास आकर दिल तो पागल है फिल्म का टिकट लाकर दिया। अरे तो इसमें गलत बात क्या है? गलत नहीं तो फिर और क्या? दूसरे हॉल में छोले पिक्चर चल रही थी, उसकी टिकट नहीं ला सकता था क्या? अरे हाउसफुल होगी और क्या। अरे पेपर में खबर क्या है? थैंक्स, अभी असल मुद्दे पर आए। ये देखो वो बेचारा शिवा है ना, उसकी बहन का रेप करने वाला आदमी उस रुद्र के गैंग का नहीं है, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया है। ऐसा क्या? हाँ, इतना ही नहीं, उस पर जानलेवा हमला करने वाला भी उस रुद्रा के गैंग से नहीं है, ऐसा पुलिस को बयान दिया है। कलयुग है भाई। कलयुग नहीं, गुंडों का राज है भाई। ये बेचारा क्या कर सकता? अरे रुद्रा पर केस कर सकता है ना वो। अगर उस रुद्रा पर केस किया ना तो शिवा की समाधि पर दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं शिवा की जगह होता ना तो अब तक आपका भाग गया होता। वो हमेशा सच बोलता है ना। तो आ गई। सुनिए मूर्ति जी, पेपर में शिवा का स्टेटमेंट आया, पढ़ा क्या? यहाँ पर वही डिस्कशन चल रहा है। ये पढ़कर तो मेरा पेट जलने लगा है। बहुत गर्म हो गया होगा। उनकी जिंदगी खराब हो गई ये सोचकर मैं दुखी हूँ, और आपको मजाक सूज रहा है? बंद करो फालतू बकवास। सुनो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, वरना उस रुद्रा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन लिखवाता। हाँ, रिपोर्ट देते ही आके ले जाने के लिए। वो कोई जेमिनी सर्कस का बंदर नहीं है, रुद्र है वो। उसका नाम तो रुद्र है लेकिन सारे गलत काम करता है। और नहीं तो क्या, रुद्र तो भगवान शिव का नाम है लेकिन ये रुद्र तो राक्षस है। तुम भी हमेशा सच बोलते हो भाई। बर्थ, जरा उधर देखो। खातों को गोदी में भरकर क्यों ला रहे हैं? अपनी कॉलोनी में फिल्म स्टार भी कोई नहीं है, फैंस लेटर समझ के ला रहे हैं क्या? मेरी बीवी पेपर में जो कहानी लिखती है उसे पढ़ने वालों ने कहीं इन लेटरों में ये तो नहीं लिखा है कि दोबारा कहानी लिखोगे तो जान से मार देंगे। तुम जरा शांत रहो, क्यों बैठा किया? चंद्रबाबू नायडू के फाइल महोत्सव की तरह तुम सेंट्रल गवर्नमेंट वाले गोनी में इतनी खत लेकर क्यों घूमते हो? ये कोई साधारण खत नहीं है, लीगल नोटिस है ये। लीगल नोटिस भेजने जैसा हमने इलीगल काम क्या किया है? हमारी बिल्डिंग जिस जगह पर खड़ी है वो इलीगल तो नहीं, कहीं उसका नोटिस तो नहीं है ये? अगर ये बात सच है तो सारे फ्लैट वालों को नोटिस आती थी ना। सही कहा आपने, अपार्टमेंट के 750 लोगों को नोटिस आई है ये। ये लीजिए लीगल नोटिस। लीगल नोटिस मैडम, ये आपका। लीगल नोटिस हमें किसने भेजा है? ये आपका नोटिस है, लीगल नोटिस। लीगल नोटिस? हाँ। अरे क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बंधु, तुझे समझ में नहीं आता है, उस शिवा की बहन का रेप करने वाले हम ही लोग हैं, ये लिखा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस शिवा को जान से मारने की कोशिश भी हम लोगों ने की है, ये लिखा है। ये सब क्या है मूर्ति जी? हैं? उस शिवा को हम कहाँ मारने गए? उसकी बहन का रेप हमने कहाँ किया? रेप करवाने वाला कोई है, रेप करने वाला कोई है, बीच में हमें क्यों बताया जा रहा है? आप मर्द है, आप रेप मर्डर बिल्कुल कर सकते हैं। नॉनसेंस, कॉमन सेंस नहीं है क्या? मुझ पर रेप केस कर दिया है उसने। हाँ मैंने मर्डर किया, मुझे नोटिस भेज दिया, मुझे तो ऐसे भी चल भी का। मैं रेप और मर्डर कैसे कर सकता हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना? वो सब छोड़िए भाई, एक मर्द औरत के साथ रेप करता है ये तो समझ में आता है, लेकिन एक औरत ने औरत के साथ रेप किया है ऐसा इसको नोटिस आया है यार। अब आप लोग क्या बोलेंगे?
किसी और के खाने का बिल किसी और के टेबल पर आया, वो रुद्र ने रेप करवाया तो हमें नोटिस क्यों आया? हटो। क्यों जी, जब मैं पास आने को कहती हूँ तो पाँव कांपते हैं, हाथ कांपते हैं। बताओ ये रेप कैसे किया, बताओ मुझे। अरे चुप रहो, रेप करने वाला सिर्फ आपका पति ही नहीं है, तुमने भी रेप किया है ऐसा नोटिस में आया है। मैंने? मूर्ति क्या है, इधर तो देख। स्वामी जी आपको भी? स्वामी जी को भी रेप केस का नोटिस आया है क्या? हाँ बालक, रजिस्ट्री पोस्ट आई तो कोई विदेशी भक्त तोहफे के तौर पर डॉलर भेजा होगा, ये सोचकर फाड़ कर देखा तो नोटिस निकली। स्वामी जी ऐसे प्रॉब्लम होगा करके ही नमक मिर्च खाना ही छोड़ दी है। दीदी जीजू स्वामी जी नमक मिर्च के खाए बिना भी रेप कर सकते हैं, मुझे देख रहे हो ना, बिना जहर का सांप हूँ, रेप के नाम से मेरा रिश्ता ही क्या है, मैं रेप कर सकता हूँ क्या, मुझे भेजा नोटिस, बेवकूफ कहीं का, ये सही है, ये इंसाफ है? चुप, सुनो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उस रुद्रा से डर कर उस शिवा ने हम सबको फंसाया है, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, चलो हम लोग उसे सबक सिखाते हैं। क्या है ये नोटिस, स्टैम्प फ्री में मिल गया तो टीवी पर क्विज प्रोग्राम की तरह गोनी भर भर के भेज दिया। तुम्हारे इस नोटिस की वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हें तुरंत ये नोटिस वापस लेना होगा। कुछ साल पहले मेरी कमजोरी की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी, और वो भी शांति से चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तूने हम लोगों को नोटिस क्यों भेजा? औरतों पर रेप केस, बूढ़ों पर मर्डर केस लगाते शर्म नहीं आती? ये सारी बातें यहाँ मत करो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाकर बात करो। कोर्ट में जाओ, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे टेनिस कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? बेटा राम कृष्ण कह के ध्यान के समय भी नर देवों के अलावा देवियों का नाम ना लेने वाले मुझ पर रेप किया है ऐसा नोटिस भेजना बहुत गलत है बेटा। अगर तुमने नोटिस वापस लिया तो हम अपने खुद के खर्चे से तुम्हारी सेहत के लिए यज्ञ करेंगे बेटा। सुनो जीजू, मुझ पर रेप केस ये पता चल गया तो हमारे बिरादरी वाले मुझे बाहर निकाल देंगे, इसलिए बोल रही हूँ, मैं वैसे 0.5 वाली हूँ, मुझ पे 302 का केस लगवाया, आंखें फूट जाएगी तुम्हारी। चाहिए तो अपनी शादी में फ्री का महफिल सजवा लो, नाच करवा लो, नोटिस वापस ले लो। हाँ सुनो शिवा, असल में हम लोग उस दिन तुम्हारे पास आए ही नहीं, हम लोगों ने तुम्हें छुआ तक नहीं, तो हम लोगों पर तुमने केस किया ही क्यों? मेरे पति को पास आने को कहती हूँ तो उनके हाथ पैर कांपते हैं, और तुमने इन पर रेप केस कर दिया। शिवा सीधी तरह से ये केस वापस ले लो, नहीं तो? नहीं तो क्या, मर्डर करोगे क्या? वैसा तो हमारे यहाँ कोई नहीं करता, यही कह रहे हैं ना। सुनो शिवा, अगर चाहिए तो हम लोग सब चंदा जमा करके तुम्हें थोड़े पैसे दे देते हैं। तुम्हारी डिमांड्स क्या है बताओ, सोचो। बेकार में सोचकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए, जाकर सीधे कोर्ट में मिलिए। ए शिवा, तुम्हारा आखिरी जवाब यही है? वो कोर्ट की बात सुनकर मेरे पति के शरीर के बाकी के हिस्से भी काम नहीं कर रहे, बेडरूम में छिप गया है, बुलाने के बावजूद भी बाहर नहीं आता। बहन, जिसका रेप हुआ वो भी ठीक है, और जिसने रेप किया वो भी आराम से घूम रहा है, बीच में आराम से रेप देखने वाले तुम्हारे पति को क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो ब्रदर, हम जैसे कमजोर दिल वाले कोर्ट में नहीं जा सकते। हेलो, आपकी ओवर एक्टिंग देखकर मुझे लग रहा आपने ही रेप किया है। ऐसी बात है, अगर मुझ में इतनी कैपेसिटी होती तो तुम बार बार अपने मायके क्यों जाती? फिर भी हम औरतें होकर डरते नहीं, और तुम मर्द होकर डर रहे हो। डर स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग में डिफरेंस नहीं करता। ओ जीजू, तुम अपने स्टेटमेंट में नपुंसक लिंग को भी जोड़ लो, बात जो है पूरी हो जाएगी। बालको स्वामी जी, आपस में झगड़ा करने का क्या फायदा,
हमें कोर्ट जाना है या नहीं ये बताओ भाई। स्वामी जी आपने दस्तखत किया क्या? किया था। कवर हाथ में लिया था? लिया क्या? था। कवर को फाड़ कर पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था। फिर भी क्या, फाड़ कर पढ़ने के बाद भी कोर्ट में तोड़ कर लेकर जाएंगे तुम्हें। हाँ? भगवान ओ भगवान, नहीं जाकर कोर्ट में चक्कर काटो। अरे वाह तुम चुप करो, क्या कोर्ट के बाहर कोई मांडवाली नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल मांडवाली हो सकती है, लेकिन शिवा 1 करोड़ मांगेगा, तेरा बाप देगा? उसे 1 करोड़ तो क्या, मेरे नाखून की नेल पॉलिश भी नहीं दूंगी मैं। वेरी गुड, तब इसी बात पर चलते हैं, चलकर कोर्ट में ही फैसला किया जाएगा, क्या कहते हो? ठीक है चलो। कोर्ट तक तो आ जाऊंगा लेकिन कम से कम एम्बुलेंस तो मत करो, हम तुम्हें एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे। चलो 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 चलते तेरी की, मुझे लगा मेरी बीवी है। ठीक है, इतने दिनों से तुम्हारी पर्सनालिटी देख करके मैं तुम्हें बड़ा धारदार समझती थी, मेरी तरह तुम्हें भी फेस वैल्यू के बजाय बेस वैल्यू बिल्कुल नहीं है। जवान सवाल की बात कर। चुप कर, क्या तू 6 नंबर को खाली पीली खड़ा होकर लाल टी शर्ट पहन के हुल देता रहता है? जिगर है तो मेरे साथ चल ना कोर्ट में, चल चल के बता तो फिर जानू। तेरे की यही सिगरेट पी के तू एक दिन सीरियस हो जाएगा पागल गधा मोटा। इस शहर के एक इज्जतदार व्यक्ति शिवा ने अपनी बहन पर हुए अत्याचार का, खुद पर हुआ खून के हमले का ललिता नगर कॉलोनी में रहने वाले तुम लोग जिम्मेदार हो, यह केस दर्ज किया है। शिवा की दलील बिल्कुल सही है, इस बात को तुम लोग मानते हो क्या? सर हमारी शक्ल को देखिए सर, हम लोग नौकरी करने वाले, नाइट शिफ्ट में हम लोग क्या किसी का मर्डर रेप करने वाले लग रहे हैं क्या सर? सर सवेरे रनिंग वॉकिंग से लेकर रात में ऑयल पिलिंग तक परेशान रहते हैं, ये रेपिंग किलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं सर? इतना ही नहीं सर, मेरी बीवी किसके साथ भाग गई पता होने के बाद भी मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया, इतनी सभी फैमिली से हूँ मैं। फिल्म में मर्डर सीन देखते ही मेरे पति डर कर मेरे पल्लू में छिप जाते हैं, क्या ऐसा इंसान मर्डर कर सकता है बताइए? यानी वो गुनाह आप लोगों ने नहीं किया है कह सकते हो? ये कैसे कह सकते हैं सर, जब वो पूर्णा शिवा की बहन का रेप कर रहा था तो हम लोग सिर्फ अपनी खिड़कियों बालकनियों से देखते रहे, सीढ़ी तक से नहीं उतरे। और अब आपने नहीं किया लेकिन किसने किया ये जानते हो? हमारे एरिया में एमएलए कौन है नहीं पता हो सकता है, लेकिन एरिया के गुंडे कौन है ये किसे पता नहीं होगा सर? क्यों? उस दिन शिवा को रुद्र ने मारा ये हमने देखा, बेचारे के लिए हम लोग ने बहुत आंसू बहाए, लेकिन ये उससे भी बड़ा कमीना है हमें पता नहीं था सर। उस दिन वो सब देखते हुए भी उसे क्यों नहीं रोका? बाद में पुलिस रिपोर्ट भी तो कर सकते थे ना। अगर हम लोग उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करते तो दूसरे दिन हमारे घर वाले हमारी आरती उठाते, हम लोग आज यहाँ खड़े नहीं होते। लेकिन सरेआम गुनाह होते हुए देखना, पुलिस को खबर ना करना गुनाह करने के बराबर होता है, ये तो गुनाह को बढ़ावा देना होता है। अजी साहब कैसी बात कर रहे हैं, अगर कोई रोड पे मर रहा है तो उसे हमारा क्या लेना देना, बताइए। अगर देखने से भी गलत होता है तो एक्सीडेंट देखना, बॉम्ब ब्लास्ट देखना, ये सब देखने से भी हम क्रिमिनल हो जाएंगे क्या? सर ये सब छोड़िए सर, ये जो शिवा है हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे लेने के लिए ये सब केस किया है सर। सच बात तो यह है सर कि रेप हो चुकी इसकी बहन से, कोई शादी नहीं करेगा, इसीलिए खूब पैसे देकर किसी अनजाने आदमी से शादी करवाने के लिए हमसे पैसे वसूल सके, इसीलिए नाटक किया है। ये सब देखकर तो इसके कैरेक्टर पर और इसकी बहन के कैरेक्टर पर शक हो रहा है हम लोगों को। ए, किसी ने मेरी बहन के बारे में कुछ भी कहा ना तो किसी ने मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी कहा तो पैसों के लिए भी कहा? अपनी बहन की इज्जत का तमाशा करने वाला इंसान नहीं है ये शिवा, सिर्फ एक बात के लिए 300 एकड़ की जमीन भीख में दे दी मैंने उन लोगों को, मैं पैसों के लिए बिक गया? बोलो साहब, मुझे खाना देने वाली इस धरती माँ की कसम खा के कहता हूं, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने का कारण ये लोग हैं, मुझ पर खून का हमला होने की वजह यही लोग हैं। क्या देख रहे हो तुम लोग? नहीं हो तुम्हारे सामने मेरी बहन को बर्बाद कर रहे थे वो लोग, उसकी चीखें सुनकर भी 1 इंच भी ना हिलने वाले तुम लोग गुनेगार नहीं हो? बोलिए बोलिए, कम से कम उसके बदन को भी ना ढकने वाले गुनेगार तुम लोग नहीं हो? भैया लाश पर भी सहानुभूति से कपड़ा ढकते हैं, एक लड़की की इज्जत वो तो बचा नहीं सके, कम से कम एक कपड़े से तो
उसका मदन ढक सकते थे ना आप लोग। मैंने अपने सीने पे खिलाकर पाला अपनी बहन को। जज साहब उसकी बड़ाई के लिए अपने गांव को छोड़कर आया था मैं। कल ये बड़ी डॉक्टर बन गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा सोचा था। वैसे मेरी बहन को, मेरी बच्ची को, मेरी आंखों के सामने, मेरे सामने बर्बाद किया तो ये पागल दिल कैसे 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 चुप रहेगा, कैसे चुप रहेगा बताइए आप लोग, कैसे चुप रहेगा। मेरा दिल कितना दहल गया होगा सोचा आपने। उस दिन आप सबने मिलकर ये क्या कर रहे हो गुंडो, ये क्या कर रहे हो कहकर उसे रोका होता तो आज मेरी बहन की ये हालत ना होती। साहब किसी के यहाँ शादी होती है तो सब आते हैं, कोई मरा तो बिन बुलाए जाकर मदद करते हैं। तब मैं मदद के लिए चला आया तब भी एक भी नहीं आया साहब। और उस दिन उस रुद्र को इनके सामने मार रहा था तो इन लोगों ने मुझ पर फूल डालकर सत्कार किया। वही शिवा रोते हुए हाथ जोड़ने पर भी वो फूल डालने वाले किसी एक ने भी मेरी बहन के बदन को ढकने के लिए मदद नहीं की साहब। किस लिए, किस लिए? हमें क्या ऐसा सोचा था ना? ऐसा ही मैंने भी सोचा होता तो किसी और की बहन है करके मैं सोचता तो, किसी और की बेटी है मुझे क्या ऐसा सोचता तो, वो कोई अनाथ है करके मैं सोचता तो, उस दिन मूर्ति की बहन की इज्जत लुट जाती फिर भी मैं कुछ नहीं करता तो, ये तो किसी और का मामला है मुझे क्या ऐसा सोचता तो, उस रुद्र से मेरा झगड़ा ही नहीं होता, मेरी बहन की ये हालत नहीं होती साहब, ये हालत। सिर्फ एक नोटिस मिलते ही 4 मील दूर इस कोर्ट में आ गए, लेकिन उस दिन सिर्फ 4 सीढ़ियां उतरकर मेरी बहन की इज्जत बचाई होती तो। नींद में हमें मच्छर काटता है तो हम उसे मार डालते हैं, लेकिन हमारे जागते हुए हमारा खून चूसने वाले गुंडों पर हम ध्यान क्यों नहीं देते? कोई भूखा कुत्ता खाने के पास आता है तो हम उसे मार मार कर भगा देते हैं, लेकिन हमारे मुंह से निवाला छीनने वाले गुंडों के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, सलाम करते हैं, कोई काम हिम्मत से नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कोई सच नहीं बोल सकते हैं, कोई गुनाह नहीं रोक सकते हैं, यह जीना भी कोई जीना है? आज मेरी बहन को बर्बाद करने वाला कल तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी बीवी की साड़ी खींचेगा, तब तुम्हारा पड़ोसी मुझे क्या करना है, मेरी बेटी तो ठीक है, मेरी बहन तो ठीक है, यह सोच के दरवाजे बंद कर लेगा। कोई नेता किसी को गुंडा या बदमाश नहीं बनाता, हम बनाते हैं उसे। एक गली में किसी ने किसी को मारा तो दूसरे दिन सारे मोहल्ले वाले उसे हाथ जोड़ते हैं, मारना कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा समझते हैं। उसके बाद वो हाथ जोड़ने वाले तुम पर दादागिरी करते हैं। अगर पहले ही दिन हाथ उठाने वाले का आप सब सामना करें तो कोई गुंडा पैदा नहीं होगा। जब तक हम डरपोक बने रहेंगे तब तक ये कोर्ट, ये पुलिस, ये जेल, ये सजा उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हम जाकर रिपोर्ट करेंगे तो ही पुलिस आएगी, हम जाकर गवाही देंगे तो ही कोर्ट सजा देगी, लेकिन वो हम नहीं करते, क्योंकि हम सबको, मैं खुश रहूं, मेरे बीवी बच्चे खुश रहे, यही चाहिए, यही चाहिए ना भाई। सिटी में 80 लाख लोग रहते हैं और गुंडे 200 से ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सब उन्हें नमस्ते करते हैं। उन गुंडों के पास पढ़ाई नहीं, संस्कार नहीं, उन गधों को देखकर लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बड़े बड़े लोग डरते हैं तो शर्म नहीं आती? गुंडे भी आम इंसान होते हैं, उनके 4 हाथ 4 पैर नहीं है। आप सब मिलकर सिर्फ ताली मारेंगे तो भी वो मर जाएंगे। उन गुंडों को देखकर अगर आप सब सिर्फ थूकेंगे ना तो भी वो उस थूक में बह जाएंगे। उसके बाद आपको इस दुनिया में गुंडा नाम का कोई गधा देखने को नहीं मिलेगा। यही बताने के लिए मैंने इन सबको नोटिस भेजी थी साहब, मैंने इन्हें यहां बुलाया, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा नहीं, नफरत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। साहब बीच सड़क पर एक हाथ से 20 गुंडों को मारने वाला मैं, उस पूर्णा और रुद्र को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। आज मेरे परिवार के साथ जो हुआ कल आपके परिवार के साथ होगा, तो आप मेरी तरह हथियार नहीं उठा सकेंगे, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। आज मेरी बहन के साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो, इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया मैंने। मैं यही कहना चाहता था आपको, मैंने पैसों की लालच में ये केस नहीं किया, आप लोगों को तकलीफ देने के लिए नोटिस नहीं भेजी मैंने। नहीं शिवा, तुमने जो किया ठीक किया, कोई गलती नहीं की तुमने। आज यहाँ तुम्हारी वजह से हमें अपनी गलती पता चला,
कोर्ट पुलिस स्टेशन जाने से इज्जत घटती है, इस गलत सोच को छोड़ते हैं हम सब अभी। तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वालों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे शिवा। जब जनता जाग जाती है तो रुद्र जैसे लोग सो जाते हैं, यही साबित करेंगे। सर, शिवा को मारने की कोशिश करने वाला, उसकी बहन की इज्जत लूटने वाला रुद्र और उसका भाई पूर्णा है। बाकी गुंडों के बारे में भी हम बताएंगे सर, उनके खिलाफ गवाही देंगे। उस रुद्रा को छोड़ना नहीं है सर, उसके जितने भी केस है अभी और इसी वक्त खोलिए आप। सर, इस वार से कोई गुंडा बचना नहीं चाहिए। आज ही वारंट भेजिए सर, कल ही इस रेप केस की हियरिंग होनी चाहिए। एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले गुनाहगार को मौत की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा एक ऑर्डर पास कीजिए सर। रुद्र, पूर्णा, ताऊ, मलेश, मुशीराबाद का हर्षा, नरसिंह, जी के नायडू, इन सब लोगों को जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर करने का पुलिस को ऑर्डर देता हूं। शिवा, जब तुमने रुद्रा के लिए रिपोर्ट नहीं किया तो मैंने सोचा कि तुम्हें हिम्मत कम हो गई, लेकिन तुम्हारे अंदर का आदर्श इतना बढ़ गया कभी सोचा नहीं था शिवा। Really, you're a great man. लोगों के अंदर अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? वो इतने दिन चुप थे इसीलिए अब तक हम लोग ये सब कुछ कर सके। अब वो मुंह खोलकर सच बोले तो हमें बंद कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम दोनों भाइयों को फांसी की सजा, मुझे नायडू, मलेश और बाकी सबको उम्र कैद की सजा। अब जेल की रोटी तोड़ के बाकी जिंदगी काटो, ये हमारा हाल होगा। कोई गवाही देगा तब सजा होगी ना। कल उस कॉलोनी से एक कौवा भी कोर्ट नहीं जाना चाहिए। घर से बाहर आया तो पूरी कॉलोनी को शमशान बना दिया जाएगा, याद रखना। अगर किसी ने हमारे खिलाफ गवाही दी तो मारा जाएगा। घर की स्त्रियों को तुम्हारे सामने रेप कर दिया जाएगा। खबरदार, 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 खबरदार। क्या हो गया, इतना क्या सोच रहे हो? अचानक कांदे का भाव बढ़ गया ना, इसीलिए बैठे हैं। और नहीं तो क्या, उस रुद्रा के आदमियों ने हमारे ऊपर कहर बरसाए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं। डर, शर्म नहीं आती कहते हुए? दीदी, इतने सारे मर्द हैं, फिर भी किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें जाके सबक सिखा सके। मुझे लगता है हमें जाके उन कुत्तों को सबक सिखाना चाहिए। अरे सच बोला रे बहना। क्या है, क्या चल रहा है ये सब? कॉलोनी वाले हम पर हमला करने के। क्या बे, क्या बात कर रहे तू? कल तक हमारे सामने आंख उठाने की जिनकी औकात नहीं थी, हमें मारने आए हैं? कहाँ जा रहे हो? सालों का सर काट के फुटबॉल खेलूंगा। रुको, बाहर कितने लोग हैं जानते हो? उनके बीच गया तो वो हमारे साथ बास्केटबॉल खेलेंगे। तो आप ही बताइए अब हम क्या करें? अरे आगे जाके उन्हें कुछ करना है तो फिलहाल हमें यहाँ से भागना होगा, यही बेहतर समझो। ये रुद्र कभी किसी से डर कर नहीं भागेगा, वरना सूखे पत्ते की तरह गिर जाओगे। चलो, अरे चलो ना यहाँ। यहाँ कोई हमें रेप करने वाला था, मर्द है तो बाहर निकल। अगर रुद्र में वाकई हिम्मत है तो आके मेरे नाखून उखाड़ के दिखाने को बोल। चल, अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो सामने आ, मेरा रेप करके दिखा। उसे बुलाकर रेप करने को कह रही हो? ये पब्लिक मीटिंग है क्या? तुम चुप रहो, तुम बाहर निकलो। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आ। हाँ तो फैसला करके रहे। अरे ओ रुद्रा, एक दो तीन कहने तक आ जा, नहीं आया तो तेरा काट करके ना उसमें मिर्ची लगा देंगे। क्या लगाएंगे? मिर्ची। ए रुद्रा,
चल बाहर आ जा। अरे रे 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 दीदी, रुद्रा और उसके आदमी भाग रहे हैं, पकड़ना साले को, छोड़ना मत। छोड़ दो। इतना हल्का मार के खुश हो रहे हो? अरे थोड़ा धोती उठा के जी, अब खांसो या मारो, उसमें बहुत फोर्स लगता है, वो तो फोर्स ही अलग है ना। सर, आपके कहने के मुताबिक सारे दोषियों को पकड़कर हम लोग कोर्ट में खड़ा कर दिए हैं। अब कोई बहस और सुनवाई नहीं होनी चाहिए सर, सीधे सीधे फांसी दे दीजिए सर। और इसकी गवाही हम लोग देंगे सर, इसने उस लड़की लक्ष्मी का रेप किया सर, और शिवा को जान से मारने की कोशिश की, ये सब हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। केस को पूरी तरह जांचने के बाद इस केस के सारे आरोपियों को गुनहगार ठहराते हुए रुद्रा, पूर्णा, मल्लेश, नरसिंह, मुशीराबाद के हर्षा को फांसी की सजा सुनाते हैं। दाऊ और जी के नायडू को उम्र कैद की सजा के साथ उनकी जमानत जब्त करके उन पैसों से मार्केट यार्ड की जमीन खरीद कर दुकानदारों को वो जगह देने का संबंधित कर्मचारियों को कोर्ट ऑर्डर देती है। शिवा भाई, ताऊ जी की गलती की सजा हम आपको देने वाले थे, हमें माफ कर दीजिए। उठो भाई, ये सब क्या है? हम में इतनी ताकत है ये हमें भी नहीं पता था। शिवा शिवा, आज की दुनिया में सच्चाई खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई से इंसान जी सकता है। यू आर ग्रेट शिवा। हम आज तक जानवर थे, अब इंसान बन गए शिवा भाई। भाई, जिस दिन हल उठाया उस दिन मेरे पिता ने एक बात कही, फसल बचाने के लिए कीड़ों को मारना होगा, मैंने भी वही किया। चलिए। उन लोगों को अच्छी बात कही शिवा। शादी के मामले में हम दोनों ने एक फैसला लिया है। हाँ शिवा, घबराओ मत, हम दोनों ने जो तय किया है वो तुम्हारी शादी की बात नहीं, विजय लक्ष्मी की शादी। भास्कर लक्ष्मी से शादी करना चाहता है। हाँ सर। शर्मिंदा मत कीजिए सर। भास्कर, तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा? उनका कर्ज बाद में उतारना, उससे पहले सोचने के लिए एक और सीरियस पॉइंट है। आपकी बहन की शादी के साथ आपकी शादी के बारे में भी सोचा है? मेरी शादी? मतलब मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, आपके लिए तो ये राउडी इंस्पेक्टर ही ठीक है। क्या सोचा, आप दोनों को मिलाकर मैं देवदास की तरह रोते हुए पलक झपकाकर चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी सोच रहे हो? नेवर, ये तो मेरे